बहुत जरूरी है इस प्लेटफॉर्म के लिए। आप सभी प्रतिभागी से मेरा अनुरोध है कि कुछ आवश्यक नियम और शर्तें भी हमारी हैं। आप सब जानते हैं हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं, आप हमेशा अनुशासन का पालन करेंगे, इस बात की हमें पूरी अपेक्षा है, आशा है। अपने माइक को म्यूट रखें और अपना सिटिंग अरेंजमेंट सही कर लें, क्योंकि अब कुछ ही क्षणों के बाद हमारा ये कार्यक्रम एक दिवसीय वेबिनार जो है हमारा प्रारंभ होगा। मैं आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूँ। तमाम जुड़े हुए इस मंच पे जो भी हमारे प्रतिभागी हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं, विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए हैं, विभिन्न जिलों विभिन्न प्रखंडों से जुड़े हुए हैं, मैं तमाम प्रतिभागियों का बिजली परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक चीज मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि हमारे इस कार्यक्रम के दौरान दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक अटेंडेंस लिंक मैं आपको शेयर करूंगा और एक फीडबैक लिंक मैं शेयर करूंगा। ये दोनों लिंक जो है मैं चैट बॉक्स यूट्यूब के माध्यम से और
जूम का चैट बॉक्स जो है उसके माध्यम से मैं शेयर करूंगा। काइंडली आप पूरे सेशन को अटेंड करें। ये लिंक मैं कार्यक्रम के समाप्ति के 10 मिनट पहले, मैं पहले नहीं करूंगा इस बात की आप लोग दूर दूर तक संभावना ना रखिएगा कि सर पहले करते हैं और आप लोग ये करें कि सर भेज दीजिए भेज दीजिए। ऐसा देखा गया आप लोगों ने कई प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए हैं, बस 5 मिनट जुड़ते हैं 10 मिनट जुड़ते हैं और जो है अटेंडेंस लिंक फीडबैक लिंक जो है ये होने लगता है। तो मैं इस चीज को दरकिनार करते हुए मैं सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करता हूँ, विनम्र आग्रह है मेरा कि इस संदर्भ में कोई भी संपर्क हमसे ना करें। मैं खुद इस कार्यक्रम के अंतिम 10 मिनट के अंदर मैं आपको अटेंडेंस लिंक और फीडबैक का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप तमाम प्रतिभागी इसके साथ जुड़ जाएंगे। और जो प्रतिभागी अटेंडेंस लिंक और फीडबैक लिंक फीडबैक फॉर्म फिलअप करेंगे मैं उन्हीं प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम के सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मैं दूंगा अपने टेक्निकल टीम की सहायता से। और मैंने जैसा कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपको 20 दिन के अंदर ये सारे प्रमाण पत्र आपको मिल जाएंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, जो भी प्रतिभागी हमारे अटेंडेंस लिंक अटेंडेंस फॉर्म फीडबैक फॉर्म से भरेंगे मैं उन सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र इस कार्यक्रम पर दूंगा। हमारी टीम इस कार्यक्रम इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। साथ ही साथ पूरे कार्यक्रम के दौरान आप अपनी उपस्थिति को बनाए रखें, क्योंकि तो कार्यक्रम में मैंने आपने देखा होगा कि ब्राउज़र के माध्यम से कि अन्य कार्यक्रमों में जहां 3-4 स्पीकर होते हैं, हमारी टीम ने इस बात को निर्धारित किया निश्चित किया कि नहीं हमारे इस कार्यक्रम में एक ही स्पीकर हो और उनको पर्याप्त समय मिले, पर्याप्त टाइम मिले ताकि वो अपनी बात को खुलकर रख सकें। और आप सभी जानते हैं कि हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार में भारत के महानतम प्रतिभावान महान प्रतिभाशाली आप सब जानते हैं उस शख्सियत को आज के समय में हमको लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता हो। परम आदरणीय डॉक्टर रविंद्र कुमार झा डीन हैं, HOD हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ UP से जुड़े हुए हैं। तो बस कुछ ही क्षण में कार्यक्रम स्टार्ट करूंगा। मैं अब इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की निदेशिका और आदरणीय प्राचार्य महोदय से मैं इस कार्यक्रम की इजाजत चाहता हूं शुरुआत करने की। मैम से मैं
आग्रह करता हूँ कि मुझे इजाजत दिया जाए, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। हाँ जा सर, जी जी प्लीज जी प्लीज जी, ओके ओके शुरू किया जाए। धन्यवाद मैम, शुरू करिए शुरू करिए जी। मैं चंद्रशेखर नाथ झा, सहायक प्राध्यापक डिग्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में बतौर कार्यक्रम सचिव तथा पूरे सत्र के उद्घोषककर्ता के रूप में इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और कुलपति माननीय डॉक्टर मुकुल नारायण देव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। इस कार्यक्रम में बतौर संरक्षक और प्रतिकुलपति माननीय डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, सह संरक्षक और कुल सचिव माननीय डॉक्टर वंशीधर प्रसाद तैयार, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। इस कार्यक्रम के द्वय अध्यक्ष और हमारे कॉलेज के निदेशक और सचिव माननीय मनीष कपसिमे सर, माननीय अविनाश शेख सर, इस कार्यक्रम के निदेशिका और इस कॉलेज की प्राचार्य, डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संजीता कुमारी, अपने सहयोगी और इस कार्यक्रम के संयोजक मोहित कुमार तिवारी जी, इस कार्यक्रम के समन्वयक और हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा जी, अपने सभी सहकर्मी और इस पूरे कार्यक्रम के शीर्षस्थ और महान प्रतिभाशाली तथा उच्च कोटि के वक्ता माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार झा जी, डीन एचओडी स्कूल ऑफ एजुकेशन, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे कुछ पत्रकार बंधुगण भी, साथ ही साथ देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए तमाम प्रतिभागीगण का मैं झारखंड राज्य की राजधानी रांची से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित अभ्रक नगरी, इसको आप अभ्रक भी कहते हैं, और बियावन जंगल के बीचों बीच प्रकृति की गोद में बसा और तपस्विनी माता अनुसुईया के पिता कर्दम ऋषि, महर्षि कर्दम की तपस्थली कोडरमा झुमरीतिलिया से मैं चंद्रशेखर नाथ झा आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अपने इष्ट देव माँ विद्या की अधिष्ठात्री माता सरस्वती का स्मरण करके हो तो निस्संदेह उस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आइए हम माँ सरस्वती की आराधना करें, उनका स्मरण करें, तत्पश्चात हम इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत प्रारंभ करेंगे। आइए हम लोग आंखें बंद कर हाथ करबद्ध होकर के मन ही मन माँ सरस्वती की आराधना करें।
शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ, हे शार दे माँ, हे शार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शार अरे क्या आ गया बोल रहे हैं ई बुक दिख नहीं रहा आपको दे रहे हैं आया नहीं आपसे अनुरोध आप स्क्रीन पे ही आया है सर या
स्क्रीन पे नहीं कर रहा है सर। थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ी सी है। या एक्सेप्टिंग आगे बढ़िए। या हाँ ऑनरेबल वाइस चांसलर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग सर। थैंक यू। आगे बढ़िए जी। मैं अब इस कार्यक्रम के चेयरमैन और अपने कॉलेज के सचिव महोदय अविनाश सर से अनुरोध करूंगा कि ई बुक ई पुस्तक बुक जो है हमारे आज के कीनोट स्पीकर डॉक्टर अरविंद कुमार सर को समर्पित करें और उनका सम्मानित करें। कीनोट स्पीकर कौन है? हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार सर। ये चौधरी डॉक्टर अरविंद कुमार सर। हाँ ये थैंक यू। अब मैं इस कार्यक्रम के स्वागत भाषण के लिए वेलकम एड्रेस के लिए मैं अपने इस कार्यक्रम के निदेशिका और माननीय प्राचार्य डॉक्टर संजीता कुमारी से अनुरोध करूंगा कि मैम आप इस पूरे कार्यक्रम के को संबोधित करें स्वागत भाषण के माध्यम से। आदरणीय प्रिंसिपल थैंक यू सो मच झा सर। एम आई ऑडिबल? यस प्लीज। ओके ऑनरेबल वाइस चांसलर सर डॉक्टर मुकुल नारायण देव विनोबाभी यूनिवर्सिटी हजारीबाग ऑनरेबल रिसोर्स पर्सन ऑफ दिस वेबिनार डॉक्टर अरविंद कुमार झा ऑनरेबल डायरेक्टर्स मिस्टर मनीष कपसिमे एंड मिस्टर अविनाश कुमार सेठ सीईओ ग्रजली विद्यालय ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ ग्रजली फैमिली ऑल द प्रिंसिपल्स डीन्स डिपार्टमेंट हेड्स फैकल्टीज स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन media person a very good morning and warm welcome to you all। corona vaishvik sankat ke is daur mein jab shiksha ki aupcharik prakriya avruddh hui tab shiksha jagat se jude logon ne virtual mode ko vikalp mana। hum sabhi ek aise vishay par vidwan vakta professor arvind kumar jha ko sunne ke liye thoda sa sound badhaiye halka jude hain jis par samvad ki dikhan aavashyakta hai। ha rashtriya shiksha niti 2020 ki woh tamam sujhav जिसकी बदौलत भारत दुनिया के ज्ञान पटल पर फिर से विश्व गुरु बनने के लिए संकल्प के साथ भारत को 21वीं सदी में एक विकसित राष्ट्र बनाने की संभावना को देख रहा है। इस नई शिक्षा नीति के संपूर्ण पहलू पर हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर झा सर प्रकाश डालेंगे। सर के बारे में कुछ भी कहना कम होगा। आप ज्ञान के साथ साथ भाषा के धनी हैं। आप बोलते हैं तो समा बन जाती है। विषय कोई भी हो आप अपने वक्तव्य से उसे प्रभावी बना देते हैं। देश ही नहीं दुनिया में एक शिक्षक के रूप में आपकी पहचान है। स्वागत के क्रम में सर्वप्रथम विनोबावे विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति प्रोफेसर मुकुल नारायण देव सर का स्वागत करती हूँ। आपने पूर्व में देश के प्रतिष्ठित संस्थान भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बतौर वैज्ञानिक अपनी सेवा दी है। वर्तमान में आप विनोबावे विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। आपकी गरिमामय उपस्थिति से हमारा मानवर्धन हुआ है, हमारा सम्मान बढ़ा है। महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ अपने आज के आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया तथा आप हमसे जुड़े। एक जिम्मेदारी वाले पद पर होते हुए एवं वर्तमान वेबिनार के दौर में आप लगातार व्यस्त हैं। आपने हाल के दिनों में कई वक्तव्य विदेशी विश्वविद्यालयों में भी दिया है।
आपको वक्ता के रूप में पाकर हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ग्रिजली परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ तमाम प्रतिनिधियों का, जिनमें कई महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, अध्यापकगण, शोधार्थी, शिक्षार्थी जुड़े हैं। आपके बिना इस कार्यक्रम की महत्ता नहीं बढ़ती। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्वागत करती हूँ ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सचिव श्री अविनाश कुमार सेठ एवं श्री मनीष कपसिमे सर का, जिनके मार्गदर्शन के बिना यह आयोजन संभव नहीं था। आप दोनों का अभिनंदन और स्वागत। साथ ही साथ स्वागत करती हूँ को ऑर्गेनाइजर ग्रिजली विद्यालय के सीईओ श्री प्रकाश गुप्ता सर एवं समस्त ग्रिजली विद्यालय परिवार का। मैं स्वागत करती हूँ कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री सी एन झा कैना, श्री मोहित तिवारी, कोऑर्डिनेटर सौरभ शर्मा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम सदस्यों एवं टेक्निकल सपोर्टिव स्टाफ, जिनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम संभव हो पाया है। इस महाविद्यालय के साथ ही साथ इस वेबिनार में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े तमाम सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से इस वेबिनार की सफलता की कामना करती हूँ। अंत में पुनः आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। ओवर टू झा सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपने बहुत अच्छे शब्दों में हमारे कार्यक्रम के स्वागत के लिए आपने सबको संबोधित किया। अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं अपने इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक माननीय कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव इलाहाबाद विश्वविद्यालय हजारीबाग, मैं उनसे सादर निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि सर आप इस कार्यक्रम के अच्छे भाषण के लिए आप संपूर्ण प्रतिभागी को अपने दो शब्दों से उनको अनुग्रहित करेंगे। माननीय कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय हजारीबाग। ठीक है जी जी। आवाज आ रही? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और यहाँ उपस्थित इस वेबिनार में डॉक्टर अरविंद कुमार झा, डीन एचओडी स्कूल ऑफ एजुकेशन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, एंड मिस्टर मनीष कुमार कपसिमे चेयरमैन, एंड मिस्टर अविनाश कुमार सेठ सेक्रेटरी, एंड डॉक्टर संजीता कुमारी प्रिंसिपल, एंड अन्य उपस्थित मेंबर्स ऑफ दिस वेबिनार पार्टिसिपेंट्स। ये बहुत खुशी की बात है कि जो हमारी सरकार ने जो नई शिक्षा जो नीति का अभी अभी जो एक्सेप्ट किया गया है, यह मैं समझता हूँ कि सरकार ने काफ़ी डिस्कशन के बाद कई कमिटियाँ इसमें बनी हैं, जैसे प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी नंदन के नेतृत्व में जो है विशेषज्ञों के एक पैनल ने तैयार किया था इसको। सो इसको अभी अभी कुछ एकाध महीने पहले एक्सेप्ट किया गया है, बट इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अभी डिस्कशन की आवश्यकता है, और क्रिटिकली वन हैज़ टू गो थ्रू इट। एंड इसके वैसे तो मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से जो अभी ये अनाउंस हुआ है, निश्चित रूप से शिक्षा की इतिहास में एक नील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है। और यह नीति जो है व्यापक, समग्र, दूरदर्शी है, और निश्चित रूप से राष्ट्र के भविष्य के विकास में एक महान भूमिका निभाएगी, ये हमारा मानना है। यह वैसे समय समय पर काफ़ी शिक्षा नीतियाँ बनती आई हैं, और ये जो अभी जो आई है 2020 में, ये लगभग 30 साल के बाद आई है। और जो पहले था 10+2 की सिस्टम थी, जिसमें एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता था कि स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग थ्रू 10th
many they wanted to join college, लेकिन बाद सरकार ने ये इसमें किया था कि स्कूल में ही प्लस टू की पढ़ाई हो. इसमें कई कई इंटर कॉलेजेस खोले गए, लेकिन ज़्यादातर जो खासकर गांव से जो आने वाले बच्चे हैं, इवन अभी भी वो चाहते हैं कि हम कॉलेज में आएं, जिससे कि उनके आईडी कार्ड में कॉलेज का नाम दर्शित हो. तो अभी जो नई शिक्षा नीति जो अनाउंस हुई है, इसमें ये क्लियर डिस्टिंक्शन है. इसमें जो है प्लस टू ट्वेल्थ तक की पढ़ाई, जैसे 5+3+3+4 ईयर जो इंटीग्रेटेड जो पार्ट है, जो 9, 10, 11, 12, वो क्लियरली वो इसमें बताया गया कि वो स्कूल, इट इज अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम. इट इज अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम. सो देर इज ए क्लियर डिस्टिंक्शन कि आफ्टर 12 हायर एजुकेशन के लिए वो कॉलेज में जाएंगे, और 12 तक की पढ़ाई जो है वो स्कूल में होगी. इसमें एक और खास बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें पांचवी क्लास तक की जो कहा गया है कि मदर टंग में पढ़ाई होगी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मदर टंग बच्चे जो जब जन्म लेते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही सभी सीखते हैं. और यही कारण है कि देर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो, जैसे जापान है. जब हमारे बच्चे वहाँ गए थे, जब मैं परिवार के साथ वहाँ था, तो मैंने ये फील किया था कि मदर टंग में पढ़ाई जो है वो एक्चुअली उनको ज़्यादा लैंग्वेज में ध्यान नहीं देना पड़ता है, तो उससे क्या. लेकिन वहाँ का एक विशेषता यह है कि वहाँ इवन साइंस विज्ञान भी जो है अपनी भाषा में वो परिवर्तित कर चुके हैं. मतलब कोई भी सब्जेक्ट वो अपनी भाषा में पढ़ाने के काबिल है. अरे पढ़ा के काबिल है. तो देखा गया है कि जैसे हमारे बच्चे वहाँ जब गए तो उनको लैंग्वेज सीखने में काफी दिक्कत हो रही थी, जैपनीज लैंग्वेज. तो उसी तरह यहाँ पर जो इस बार जो बताया गया है कि पांचवी तक मदर टंग में होगी, लेकिन एक इसमें, बिकॉज देखिए एक दूसरे देश में जहाँ एक ही नेशनल लैंग्वेज होता है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो है इसमें थोड़ी दुविधा है, क्योंकि यहाँ कई सारी लोकल लैंग्वेजेज हैं. मैंने मातृभाषा जो है बहुत से स्टेट में अलग अलग होती है. इसमें एक समस्या आ सकती है कि जैसे बहुत से लोगों का ट्रांसफरेबल जॉब होता है यहाँ, तो वो एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाते हैं. मान लीजिए कि कोई बच्चा यहाँ 3rd-4th तक पढ़ाई किया, उसको किसी कारणवश उसको ट्रांसफर जो है सो दूसरे, जैसे बंगाल में हो गया या महाराष्ट्र में हो गया, और दूसरे जगह जहाँ दूसरे वहाँ पर ही जो लोग लैंग्वेज है वो अलग है. जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में मराठी है, अब कोई यहाँ पर ही मदर टंग मान लीजिए कि हिंदी जिसकी है, वो वहाँ जाके मदर टंग वहाँ मराठी हो गया, तो ये समस्या आ सकती है बच्चों में. तो मेरे ख्याल से इसमें विचार ये है कि अगर मदर टंग के साथ एक 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 इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जो एवरीवेयर, मतलब वो और बच्चों बच्चे बच्चे की अवस्था जो थर्ड एट द एज ऑफ 3 से स्टार्ट किया जाए तो वो सीख लेते हैं. बच्चों में ये कैपेबिलिटी होती है, उनमें लैंग्वेज सीखने की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए ये हमें लगता है कि एक और लैंग्वेज जो है इंग्लिश.
आगे हेलो जी जी आ रही है सर आवाज आ रही है ओ बीच में सॉरी है वो डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है जी हाँ सो मैं क्या कर रहा था कि इवन एट मास्टर डिग्री प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है क्योंकि उसका एक कारण ये भी होता है इवन टीचर जो पढ़ाते हैं उनको भी उनमें ये कमी है बिकॉज उन लोग को भी वो नॉलेज नहीं दिया गया है तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं इंटरव्यू वगैरह में फेस करते हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहती है तो इसलिए समझने में जो भी है ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है तो थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत सारे जो है रट के करते हैं और आपको सब पता है कि अगर हम प्रैक्टिकली कुछ हम अपनी आँखों से देखते हैं तो ज़्यादा दिमाग में आता है इसलिए ये जो दिया गया है लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो ये लागू होने के लिए कम से कम इस ओर ध्यान देना चाहिए सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज में जब तक हमारे पास जैसे साइंस की बात है प्रैक्टिकल नॉलेज तभी हो सकता है जब हमारे पास इक्विपमेंट रहेंगे तो थोड़ा है इसमें अभी तो है अब आगे कैसा है इसमें इम्प्लीमेंट के समय में क्या क्या किया जा सकता है बट जैसा मैं कह रहा हूँ कि इसमें काफ़ी अच्छा है ये क्योंकि वेरी क्लियर इवन हायर एजुकेशन में काफ़ी सेपरेट किया है वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो हैं उस पर जोर दिया गया है जॉब ओरिएंटेशन बेस है तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अगर सही मायने में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो आई थिंक इट विल बी वेरी सक्सेसफुल और ये हम इस तरह से जो दुनिया के दूसरे देश हैं आई थिंक उनकी तुलना में हम काफ़ी बच्चों को ला सकते हैं तो मैं तो ये कहूँगा अंत में कि यह शिक्षा नीति लंबे समय से लंबित थी अब ध्यान केंद्रित करने की अपने स्कूल और प्रभावी कार्यान्वयन के बदलता की जरूरत है और इसमें क्या है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिल के करने के लिए क्योंकि स्कूल एजुकेशन जो है कम्प्लीटली इट कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड हायर एजुकेशन दैट विल कम अंडर सेंट्रल लेवल सो ये दोनों का सामंजस्य की जरूरत है सो मुझे विश्वास है कि यदि अच्छी तरह से लागू किया जाता है तो यह नीति भारत को एक संपन्न ज्ञान केंद्र बनाने के लिए आगे का रास्ता होगा बस इसमें मैं इतना ही जस्ट कहना चाहूंगा थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस वेबिनार ओके थैंक यू वेरी मच सर आपके उद्बोधन ने हमें काफी अनुमोदित किया केवल हमें नहीं पूरे कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अनुमोदित किया होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत आभार हम हमारी समिति ये चाहती है कि आप पूरे कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहें हम इस कार्यक्रम को सुने जस्ट एक मैं बोलना चाहूंगा इसमें क्या है मैं चूंकि अभी गांव में हूं और यहां रह के वो नेटवर्क प्रॉब्लम है ये बट बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा और कल शायद कल कंटिन्यू रहेगा तो डेफिनेटली मैं हजारीबाग में रहूंगा तो ये मैं जरूर सुनूंगा और जब भी मौका मिले जस्ट आई विल जस्ट ट्राई टू लिसन इट ओके थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल आप जुड़ेंगे तो सबको अच्छा लगेगा और कोई बात नहीं है आप गाँव में है ग्रामीण में थोड़ी समस्या रहती है कोई बात नहीं है अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर थोड़ा 2 मिनट के लिए आप रहेंगे सर 2 मिनट आपको आपको सर हम ई मेमेन को चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जो चेयरमैन है और हमारे कॉलेज के निदेशक मनीष कपसिने सर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सर आप हमारे डीसी सर को ई मेमेन को देकर के सम्मानित करें Thank you. Yes, sir. ई मेमेंट को मैं अपने कार्यक्रम के चेयरमैन की तरफ से मनीष कपसिने सर की तरफ से आपको ई मेमेंट को द्वारा सम्मानित किया जा रहा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि सर आप कार्यक्रम में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने सहयोगी और इस कार्यक्रम के संयोजक आप इसमें ये कीजिए तो मैं कभी सुनूंगा देन
So don't you can go. अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के संयोजक और अपने सहयोगी मोहित जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम के जो हमारा थीम है उस पर अपनी थोड़ी सी बात रखें, अपनी चर्चा रखें, उसको परिचय प्रदान करें। आदरणीय मोहित सर, मोहित सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद झा सर। समय की महत्ता को समझते हुए मैं बहुत कम समय लूंगा। इस ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा एक दिवसीय इस ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका थीम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोस्पेक्ट्स एंड अप्रिहेंशंस, बेसिकली ये संभावनाएं और आशंकाएं हैं, इस विषय का परिचय कराने से पहले जूम ऐप पर, यूट्यूब लिंक पर और फेसबुक पर उपस्थित जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, मैं आप सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी बात कहना शुरू करता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर अपार उम्मीदें एवं संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। 21वीं सदी की यह शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण के सपने को साकार करने की संभावना व्यक्त करती है। नई शिक्षा नीति के द्वारा जहां संरचनात्मक बदलाव दृष्टिगोचर हो रहा है, वहीं भाषा को लेकर चले आ रहे विवाद के छपने की संभावना दिख रही है। बताते चले कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर में नवोदय विद्यालय खोलने का प्रावधान था, लेकिन भाषाई विवाद के चलते ही तमिलनाडु राज्य में नवोदय विद्यालय नहीं खुल सके थे। एक ओर जहां नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों का हनन दिख रहा है, तो ऐसे समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सूत्र वाक्य नेशन फर्स्ट करेक्टर मस्ट, हिंदी में राष्ट्रीय हित के साथ चरित्र निर्माण, अपार उम्मीद जगाता है। उम्मीद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारतीय समाज को विश्व पटल पर अग्रणी राष्ट्र की स्थिति में पहुंचाएगा। इसी के साथ कुछ आशंकाएं भी हैं, जो इस प्रकार हैं कि आजादी के बाद भारत ने इस दुनिया को कुछ नया नहीं दिया है अभी तक, क्या नई शिक्षा नीति इस मिथक को तोड़ने में सफल हो पाएगी। दूसरी आशंका यह है कि हम भारतीय एक अच्छे प्रोग्रामर कहलाते हैं, लेकिन एक अच्छे क्रिएटर नहीं कहलाते हैं। क्या ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें एक अच्छे क्रिएटर के रूप में भी विश्व में स्थापित करेगी। और तीसरी आशंका, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को पूरा कर पाएगी। इसी के साथ मैं निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि है बहुत कठिनाइयां नई शिक्षा नीति के आगे, है बहुत कठिनाइयां नई शिक्षा नीति के आगे, सब गंवारा है हमें देश के विकास के आगे, रोशनी बदनाम हो जाए न इस डर से, रख रहा हूं मैं दिया तूफान के आगे, रख रहा हूं मैं दिया तूफान के आगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, ओवर टू झा सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोहित सर, आपने बहुत कम शब्दों में इस कार्यक्रम के जो हमारा थीम है उसको आपने एक भूमिका प्रदान की है, आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सौरभ सर से, इस कार्यक्रम के समन्वयक भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे, हालांकि हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं उनका वो परिचय मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता हमें पूरी करनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा सौरभ सर आप कम शब्दों में, अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में हमारे इस कार्यक्रम के जो हमारे प्रमुख वक्ता है उनका उनका परिचय प्रदान। आदरणीय सौरभ सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सर, सबको सबसे पहले सुप्रभात। सर्वप्रथम मैं आज इस वेबिनार में जुड़े सभी हमारे विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से जुड़े प्रतिभागियों, विद्वानजनों और विद्यार्थियों का श्री परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज के हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य वक्ता हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार झा जी के बारे में बताना चाहूंगा। डॉक्टर अरविंद कुमार झा जी वर्तमान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ एजुकेशन में डीन एचओडी पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय
केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में भी डीन पद पे कार्यरत रहे हैं। आपको भारत सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कार भी दिए गए हैं, लेकिन 2015 में राष्ट्रपति द्वारा इनको इंस्पायर्ड टीचर का भी पुरस्कार दिया गया। आपने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि विश्व के कई विश्वविद्यालयों का भी दौरा किया है। आपके द्वारा विभिन्न पुस्तकों का लेखों का भी प्रकाशन किया गया है। डॉक्टर अरविंद कुमार झा जी के निर्देशन में मार्गदर्शन में विभिन्न कार्यशालाओं का भी संयोजन किया गया है। मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अरविंद कुमार झा जी के जो वर्तमान में ये COVID-19 का दौर चल रहा है, इस दौर में डॉक्टर अरविंद कुमार जी ने 100 से ज्यादा व्याख्यानों विभिन्न विषयों पे व्याख्यान दिया है। मैं आगे बताना चाहूँ कि आज जो हमारा राष्ट्रीय वेबिनार है, इसको सुनने के लिए हम सभी भारतवासी बहुत उत्साही हैं, बहुत व्याकुल हैं। मैं आगे ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अरविंद कुमार झा जी अपने विचारों को रखें। एक बार पुनः अरविंद कुमार झा जी का बहुत बहुत आज के राष्ट्रीय वेबिनार में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अरविंद कुमार झा जी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद सर। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में हमारे अनुभवता का दर्शन करवाया। अब मैं बहुत कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन मैं आप तमाम प्रतिभागियों से यहाँ इस मंच के माध्यम से इस समय मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे इस वक्ता को सुने। पर्याप्त समय है, आप इस कार्यक्रम को सुने, पूरे सेशन के दौरान आप जुड़े रहें और अपने ज्ञान का वर्धन करें। मेरा ये हाथ जोड़ करके करबद्ध होकर के आप सभी से प्रार्थना है, आप इस कार्यक्रम को सुने। मैं ये फिर से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ करके करबद्ध होकर के सभी से मेरी प्रार्थना और अपना ज्ञान वर्धन करें। अब मैं इस मंच को पूरी तरीके से अपने प्रमुख वक्ता को सौंप रहा हूँ, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार झा, स्वागत है। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। बिफोर आई ओपाइन माय ओपिनियन about this monumental document, I would like to be thankful to the entire management of Griji College of Education. And I'm also thankful to the chief patron, Professor Mukul Narayan Devji, the vice chancellor of Vinoba Bhave University Hazaribagh, who is with us and a few seconds before he addressed all of us. Thanks to the patron, the Professor Ajit Kumar Sinha, Pro Vice Chancellor of this university, and the Registrar, Dr. Bansidharji, the Chairman of Griji College of Education, Shri Manish Kumar Kapsimeji, the Secretary of this college, Shri Avinashji, the Principal, who called me so many times, Dr. Sanjita Kumariji, who is heading as a principal Grizzly College of Education, organizing secretary, Shri Chandrasekhar Nath Ji, the convener of the program, Shri Mohit Ji, Saurabh Ji, and all faculty, and above all, dear participants and students. It's indeed an honor for me to get associated with this webinar on a very important topic, National Policy of Education 2020, or in short, you can say National Policy Education 2020. So what will be my modus operandi to talk to you? I have with me 1 hour, 15 minutes. I'll firstly talk about in general, but in short, what NPE 2020 is all about. And then I'll move over to school education, because this half of the document, almost 30 pages, is occupied by school education. And then I'll move over to teacher education, because this webinar is being organized by Griji College of Education, which is imparting quality teacher education. And then finally, higher education. Lately, I have entered into this field, and I love to talk about this. So in 1 hour, so 10 to 15 minutes, 15 minutes rather, the general introduction of the NPE 2020. Then I'll move over to for 15 minutes school education, 10 minutes teacher education,
and 20 minutes I'll take for the higher education. Because if you go by this document, page by page, you will be surprised to see that almost 30 pages, you know, have been written about the higher education also, friends. Well, first of all, let's have a glance of National Education Policy 2020. See, about policy, I have always maintained a statement that I have made on several platforms. Ki niti hi aapki niyati ka nirdharan karta hai. Isliye jaisi niti, waisi aapki niyati hogi. So as the policy, so will be your future. Future, particularly a country which is democratic in nature, which is considered the largest democratic country of the world as the number of people are concerned. So I must say, this document, which is which has been already accepted by cabinet of the government of India, and now almost it's a policy, an accepted policy. So it's a monumental policy. And it's a monumental policy document, as it is a truly an outcome of democratic participation and consultation. Why I'm saying democratic participation? It's not only, you know, one commission was appointed under the chairmanship of K. Kasturi Rangan, and then people sat in a room and people thought about this and they just wrote no. Thousands of people have participated in the production of this document, all right, who have contributed their ideas in the form of letters, the black and white that we have with us. So initially this document was 400 pages, then 250 pages, and now finally, as a policy document, 65 pages are with us. It may or may not be a monumental. Some people say, okay, for you, it may be the monumental, but for me, it's not monumental. I don't disagree with that. It may or may not be. I'm not saying may not be. I'll say may or may not be a monumental and merely an augmented one from the oppositional critique point of view. Because, you know, unfortunately, all over the world, if you are in the group of opposition, then any good thing that is there, you perceive it in a negative critic perspective and you say, oh, nothing is there. But yes, nothing is wrong when we call this policy of education as augmented one. It means it has been augmented on the basis of all earlier documents. So yes, it is an augmentation of all the previous national policy documents, such as, if you remember, just after Kothari Commission came, 1968, and then came, that was National Policy on Education, then 1986, New Policy on Education, then 1992, Acharya Ramamurthy Committee, when the new government came, and again, this policy is with you. One thing, before I present the idea of this, I would like to say that this is a policy document. This is not a legal document, friends. And hope you understand the difference between policy document and the legal document. Policy document is not a binding on the part of the government to accept it in toto and implement in toto. Okay? But once it becomes the legal document, then government is bound to implement this document in toto. Well, so what is this? The entire document, if you go by this document, you will be surprised to see it covers almost 65 pages. And the entire document is divided into almost four parts. And after general introduction, which I'll talk very shortly, it talks about school education, it talks about higher education, it talks about the key areas of focus, for example, professional education, adult education and lifelong learning, promotion of Indian languages, arts and culture, technology use and integration, online and digital education. Then it also talks about that when we are trying to conceive some idea related to policy, education policy as a document,
how can it be implemented? And that's why I'm very happy to see the fourth part of this document talks about making it happen. Just before I move over to general education, see, the firstly talk about, as far as the school education is a concern, which I'll talk after 5 minutes in detail, it talks about early childhood care education, the foundation of learning. See, it's not that the early childhood care education, I mean, was not there in India. It was there, but it was there in the private sector. Like if you have got enough money and you are well educated and you are committed to send your child from the very early age, then you can send your child to the public school or the government private school for the early childhood care education. For example, आप पूछेंगे कि क्या है वो? उसमें देखिए है कि आप अपने बच्चों को भेजते थे तो नर्सरी क्लास में भेजते थे, नर्सरी के बाद वो एलकेजी जाता था, फिर वो यूकेजी जाता। इसका प्रोविजन भारत में तो था लेकिन प्राइवेट सेक्टर में था, गवर्नमेंट के सेक्टर में था। गवर्नमेंट ने क्या किया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को वो अपना पार्ट बना लिया। इसका मतलब कि अब जो विद्यालय अभी एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, वो विद्यालय प्री प्राइमरी एजुकेशन से काम करना शुरू करेगा। एंड व्हाट विल हैपन इन दिस, मोर एम्फेसिस विल बी on the foundation of learning. Study only, I was speaking on one platform for Jammu and Kashmir, and the Commissioner Secretary Higher Education was there, Director of Higher Education was there, and many others were there. And they asked me, sir, how it will happen? How Anganwadi people will be capable to teach children at the early childhood care education? I said, no, they are not supposed to teach. They will take care of the overall well-being, in which they are going to take care of their morning breakfast. They are going to take care of their other well-beings. Teaching will be done by the teachers only. Well, anyway, I'm not going. This was the specific question the secretary, the commissioner secretary, higher education of Jammu and Kashmir yesterday asked me. Okay. It also talks about that how learning will take place. It's not only paper, pencil, not only ka, kha, ga, or o, a, e, or a, b, c, d. Say more and more emphasis will be on numeracy, foundational numeracy and foundational literacy. I, being a man of mathematics, I'm very happy that for the first time, this document recognizes the importance of numeracy. Many people understand the concept of numeracy is just to count the things. No, the very foundation of the numeracy, or the fundamental purpose of introducing numeracy at the early childhood, is to make children to learn how to think. And that's the purpose of mathematics education also, the logical ability, the reasoning ability, etc., etc. And if you know the history of writing, history of reading, history of, then you will be surprised to know, you read the book written by Harari, and he says that initially people started writing numbers, not the alphabets. But what happens? We start introducing alphabets first. Yeah, alphabets are very important. Understanding of language is very important, as Honorable Vice Chancellor was saying. I'll also talk about that. But at the same time, unless something there in the mind, in the form of thinking, how will you write? So Harari, in his book, Sapiens, he writes, the human civilization, and particularly Homo sapiens, started its writing things, the number first, then the letters later. But anyway, I don't want you and me to enter into that debate, but it's saying that an urgent and necessary prerequisite to learning. Very clearly, this document says कि अगर मनुष्य कुछ सीखना चाहता है जीवन में, और खासकर बच्चों को अगर सिखाने की जहां तक बात है, तो दो काम करना बड़ा जरूरी है कि foundation of numeracy को तैयार करना है और foundation of literacy की तैयार करना। अगर आप इसी school education के document को देखेंगे तो कह रहा है कि हम dropouts को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और universal access to education करेंगे, but not at primary level, but universal access to education at all levels. अब आप पूछेंगे universal access का क्या मतलब होता है? तो आप सबको पता होगा कि primary level पर universal access का मतलब होता है 90%, यानी 100 में से 90 लोग अगर स्कूल जा रहे हैं तो समझिए वहां universalization of primary education हो रहा है, या universalization of pre-primary education हो रहा है।
Then what is the meaning? Because document says curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels. So it is about primary education. What about higher education level? As far as higher education level is concerned, in the entire world, the opinion is that suppose 100 students pass from the school level education, out of 100, at least 50% students, it means the 50 students have the access to the college education or university education, it means higher education is universal. I said, why? What about 50? I mean, this is the general consensus. Because instead of maybe out of 50, suppose 100 students have passed school education, some will go to the vocational, some will go to the professional, some will go, some may start their own, you know, entrepreneurship, or some may start their own family business, etc., etc. So out of 100 who have passed out from the school system, out of 100, if 50 students are entering into the higher education, it means universalization of higher education is there in place. Now I say, why this document is written like this? Because presently only 26% of students have the opportunity and access to go into the higher education. इसका मतलब ये हुआ कि 100 बच्चे जो स्कूल पास से पास आउट होते हैं उसमें से सिर्फ 26 लोग हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, बाकी नहीं जा पा रहे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट कहती है कि क्या कहा गवर्नमेंट ने कि यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, यानी गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ेगा अगर पॉलिसी की डॉक्यूमेंट को वो मानते हैं। सो पॉलिसी इज वेरी क्लियर, तो इसका मतलब बड़ा चैलेंज है और गवर्नमेंट ने 10 से 20 साल का टारगेट रखा है। टॉक अबाउट दैट कि उतने दिनों में हम कर लेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे तमिलनाडु बहुत अच्छा कर रहा है और भी बहुत सारे स्टेट बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आप जिस स्टेट से मैं बिलोंग करते हैं, हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ हायर एजुकेशन की एक्सेस की हालत बहुत खराब है। और इसीलिए आप सोच सकते हैं कि शायद आने वाले दिनों में 10 साल में प्रत्येक विश्वविद्यालय, कम से कम एक विश्वविद्यालय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, जिस जो भारत की आवश्यकता है। Then in the fourth section under the school education, this policy talks about curriculum and pedagogy in school. Aur iske liye bada saaf ye document kehta hai, learning should be holistic, integrated. Lekin do shabdon ko aur joda hai, enjoyable and engaging. Ye sirf holistic aur integrated nahi keh raha hai, ye enjoyable bhi keh raha hai aur engaging bhi keh raha hai. Main kuch vidyalayon ka aapko dunga. मुझे सौभाग्य प्राप्त है, मैं अरविंदो इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर पौंडीचेरी भी देखा है जहाँ बड़ा फिक्स करिकुलम नहीं होता है, या भारत में ही अगर आप जय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जो स्कूल्स चलाते हैं वहाँ भी देखेंगे उनका बड़ा डिफरेंट है। तो माना जाता है कि इन अनुभवों से सीख के क्यों नहीं सरकारी विद्यालय सिस्टम में भी इस चीज़ को लाया जाए। ये कमीशन टीचर्स के बारे में भी बहुत बात करता है, जिसके बारे में बात करूँगा। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए बात करता है जो शिक्षक को अफोर्ड कर सकते हैं या जिनके पास पैसे हैं और साधन है? नहीं, ये उनके लिए भी बात करता है जिनके पास ये साधन नहीं है। और इसीलिए मिड डे मील के साथ साथ ये एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि बच्चों को 3 साल की अवस्था में ही ले आओ और उनको ब्रेकफास्ट भी दो और इनको स्कूल भी दो। एक स्टडी है जो बताती है कि जब से मिड डे मील को मजबूत किया गया सिस्टम को और दिया जाने लगा, बच्चे आने लगे, माता पिता अपने बच्चों को भेजने लगे कि कम से कम वहां कुछ सीखेगा भी और खाना भी उसको मिल जाएगा। और देखिए, केवल ये खाना और सीखने का नहीं है मतलब, मिड डे मील से कितना रोजगार हुआ है आप गौर से समझिए। मुझे याद है कि लगभग 15 साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन अर्बन स्लम्स पे लिखने के लिए मुझसे कहा था, हम जैसे और भी लोग थे और हमने एक पेपर प्रेजेंट किया था कि स्लम में क्यों नहीं हो पा रहा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्योंकि स्लम के माता पिता का ख्याल कौन करेगा, उनको रोजगार कौन देगा अगर वो अपने बच्चे को स्कूल भेज देंगे? क्योंकि आप देखिए दिल्ली के सड़कों पर, मेरे ख्याल से अब रांची के भी सड़कों पर, हजारीबाग के सड़कों पर हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे चीजों को बेचते हैं, वो अपने माता पिता की मदद करते हैं कि ताकि कुछ पैसा हो जाए और हम खाएं पिए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए, होलिस्टिक बनाने के लिए उनका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा।
और इसलिए मेरे लिए मिड डे मील सिर्फ बच्चों को भोजन देने का कार्यक्रम नहीं है, उस समुदाय में जो लोग हैं, उस कम्युनिटी में जो लोग हैं, उनको रोजगार देने का भी काम। इसलिए शिक्षा बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। एंड दैट्स व्हाई दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट टॉक्स अबाउट इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लर्निंग फॉर ऑल। एंड देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट एफिशियंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर्स। स्कूल को ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी के करीब लाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसकी आलोचना करते हैं कि स्कूल को क्यों दे दिया जाना चाहिए, अगर गांव का कोई फंक्शन है या पंचायत का कोई फंक्शन है क्यों नहीं देना चाहिए। बच्चे देखेंगे कि उसका कम्युनिटी किस तरीके से किन प्रैक्टिसेस को कैसे कैसे करता है, बच्चे को इन्वॉल्व करिए उसमें। इसलिए स्कूल आपके संपूर्ण जीवन के केंद्र बिंदु में होना चाहिए। आइसोलेटेड सैक्रोसैंक्ट नहीं बना दें कि वहां सिर्फ पेन और पेपर से पढ़ाई होगी, सारी एक्टिविटीज होंगी। अब इसी तरह इस डॉक्यूमेंट को अगर आप हायर एजुकेशन में देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस की बात करता है और कहता है कि अगर नए भारत की कल्पना करना है, एक फॉरवर्ड लुकिंग विजन की कल्पना करना है, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी यूनिवर्सिटी और क्वालिटी कॉलेजेस होनी होने चाहिए। अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर देव साहब बात कर रहे थे कि जब वो जापान गए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड का अगर किसी की भी प्राइमरी एजुकेशन बेस्ट है इन द वर्ल्ड में वो जापान का है। हालांकि इस पे प्रोफेसर मुकुल नारायण जी ज्यादा आपको बता सकते हैं क्योंकि वो जापान में रहे हैं। हम तो सिर्फ डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं और वहां के लोगों से बात करते हैं और तब आप तक हम बात पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कंपेरेटिव एजुकेशन में मैंने जापान की एजुकेशन सिस्टम का भी स्टडी किया है, यूएस, यूके, जर्मनी, रशिया एटसेट्रा एटसेट्रा, इंडिया भी। कि जापान में वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल फैमिली वो होती है जिसके परिवार से कोई ना कोई प्राइमरी शिक्षक होता है। कम से कम 30 से 40 प्रकार के साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है तब प्राइमरी एजुकेशन का वहां टीचर बनता है। इस तरह की प्रोविजन हायर एजुकेशन के फील्ड में नहीं है, मेडिकल एजुकेशन में नहीं है, प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने पूछा था जापान से 1942 के वर्ल्ड वॉर के बाद कि जापान तो बर्बाद हो गया। आप जानते हैं द्वीपों का वो समूह वाला कंट्री है, वो भारत जैसा विशाल स्थल नहीं है उसके पास। और तो उसने एक बात कही थी, इन 10 नन्हे नन्हे हाथों से, छोटे छोटे उंगलियों से हम जापान को फिर से बनाएंगे। और जब वहां के थिंकर ने एक साथ शुरू किया, कहा सबसे पहले किसको मजबूत किया जाना चाहिए, तो कहा कि सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत कर। और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता हूं मित्रों, क्या कि प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। और अगर मैं एबल हूं और कैपेबल हूं तो दुनिया के तमाम भाषा मैं बाद में सीख सकता हूं। प्राइमरी एजुकेशन कम से कम होने दीजिए ताकि बच्चा फ्लुएंटली अपनी बात बोलना आ जाए, उसे कहना आ जाए, जो सोचता है वो बोल पाए। मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं बहुत सारे शिक्षकों को देखता हूं, क्योंकि मेरे लिए चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो, पहली शर्त है एक अच्छे शिक्षक होने के लिए कि आप में वाक्पटुता होनी चाहिए, पावर ऑफ एलिक्वेंसी से आप इक्विप्ड होने चाहिए, तभी तो आप अपनी बात प्रभावशाली तरीके से अपने छात्रों के तक पहुंचा पाएंगे, वरना कैसे पहुंचाएंगे। इसलिए भाषाई क्षमता होनी चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता था जब लोग कहते थे कि साइंस और मैथमेटिक्स के लोगों की भाषा क्षमता अच्छी नहीं होती है। मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। इसलिए सब लोगों को होनी चाहिए, भाषाई क्षमता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट इसलिए मॉन्यूमेंटल और यूनिक है कि इसने इंफेसाइज किया। हाँ, इसके साथ एक चुनौती है। अभी किसी अपोजिशन खेमे के लोगों ने, मेरे मित्र ही हैं, उन्होंने क्रिटिक किया और कहा कि क्या इसका मतलब ये होगा कि तमाम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल को कहा जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा इसमें की मातृभाषा में ही किया जाए, और क्या सरकार में ये हिम्मत है कि सरकार ऐसा कर पाएगी। मैं मित्रों एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि सरकार की को हिम्मत कौन देता है?
हम क्यों मानते हैं कि सेक्रेटरीट में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स या दूसरे ऑफिसर्स बैठते हैं वही सरकार है, हम भी सरकार हैं, चाहे हमने प्रो में वोट दिया या अगेंस्ट में वोट दिया है। इसलिए सरकार को हिम्मत तब आएगी जब हम और आप जैसे लोग उसे हिम्मत देते हैं। पता नहीं ये कितना उपयुक्त होगा ये एग्जाम्पल, ये देश 70 वर्षों से 370 को झेल रहा था। आपने देखा कि कल भी जम्मू एंड कश्मीर में, हालांकि कल मैं जम्मू कश्मीर के ही लिए कल बोल रहा था कि कल ही वहां के 6 पॉलिटिकल पार्टी ने साइन किया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 370 को फिर से रिस्टोर कर दें। सर्वसम्मति से हमारी पार्लियामेंट ने इसको किया, लेकिन आप देखिए जरा सोच तो, लेकिन जब पूरे देश की जनता ने इस बात को सोचा, एक ऐसी सरकार को बनाया, कोई भी सरकार हो सकती थी, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, ये काम कोई भी पार्टी इंडिया की कर सकती थी। जब देश चाहता है, उसके लोग चाहते हैं परिवर्तन, तो सरकार मजबूर होता है उस परिवर्तन को लाने के लिए, और हम सबने इस काम को किया, आज किया गया। तो मैं, ये चुनौती होगी सरकार के पास, हम सबके पास, आप सबके पास, क्या क्या ऐसा पॉसिबल है। अननेसेसरली अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी देखेंगे, हालांकि मेरी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के बाद मैं पूर्णतः अंग्रेज हो गया और अंग्रेजी में ही बोलता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। इवन अब तो ये स्थिति हो गई कि टूटी फूटी अंग्रेजी में सोचने लगा, बात सच है, लेकिन हकीकत ये है कि इतना मेरी जिंदगी का वक्त सिर्फ अंग्रेजी को समझने में गया। और अंग्रेजी, जो लोग इसकी वकालत करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने इसको ग्रेजुएशन के लेवल तक मेरा एक मेन सब्जेक्ट रहा, इंग्लिश लिटरेचर। ये बहुत प्रोफाउंड सब्जेक्ट नहीं है, ये ग्रामेटिकली बहुत साउंड सब्जेक्ट नहीं है। तो हुआ क्या, ज्यादातर लोग भूलेंगे। इवन आपको ताज्जुब होगा जान के, अगर अंग्रेजी भाषा का इतिहास पढ़ेंगे तो जॉर्ज हेनरी फिफ्थ के बाद अंग्रेजी जो है वो इंग्लैंड की भाषा बनी है। उससे पहले अंग्रेजी इवन इंग्लैंड की भी भाषा नहीं थी। बट एनीवे, मैं उस लैंग्वेज के डिबेट में आपको नहीं ले जाऊंगा। बट आई एम वेरी हैप्पी कि इसने हायर एजुकेशन में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहता है क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ये कहता है इसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। आई विल टॉक अबाउट दैट, और उसमें कुछ क्वेश्चन भी मैं खड़े करूंगा अंत में। एंड इट ऑल्सो सेज टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। ये इस डॉक्यूमेंट की सबसे बड़ी बात। मैं गणित का छात्र होते हुए न्याय दर्शन क्यों नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर मैं एजुकेशन में PhD ना किया होता तो मुझे जिंदगी में कभी से पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता। मैं गणित का छात्र होते हुए भारतीय परंपरा के क्लासिक संगीत का ज्ञान क्यों नहीं अर्जित कर सकता, या फिजिक्स का छात्र होने के नाते भारतीय इतिहास को या भारतीय संस्कृति के ज्ञान को क्यों नहीं ले सकता। और ये इस पॉलिसी की खास बात है, चुनौती बहुत है, लेकिन अब ये आजादी होगी आपके पास, ये छात्र अब ऐसा कर पाएगा। रामानुजम अगर बायोलॉजी कंपलसरी ना हुआ होता और फेल करने की बात ना होती, तो रामानुजम कब के 12th पास कर गए होते, 10th पास कर गए होते, ग्रेजुएशन कर गए होते। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आ रही है। आप मुझे म्यूट ना करें, मेरे उस पर सिग्नल आ रहा था कि आपको म्यूट कर दिया गया। तो खैर, सो टुवर्ड्स ए मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, और सभी यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी के रूप में काम करेंगे, और करना भी चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आचार्य विनोबा भावे के नाम पे इस विश्वविद्यालय का नाम है, जिस विश्वविद्यालय से ये कॉलेज है। मैं वर्धा में रहा हूँ और उस विनोबा आश्रम भी गया। जब विनोबा जी के डिफरेंसेस गांधी जी से हुए, और गांधी के आश्रम में ही पहले रहते थे विनोबा जी, और उससे अलग हटके वो उसी नदी के किनारे विनोबा जी ने भी बनाया। देखिए वहां की महिलाओं ने क्या बढ़िया संचालन किया है। पूरे आश्रम का खर्च उस आश्रम में जो जमीन दी गई है उसमें प्रोडक्शन करके किया गया है। आप वर्धा के स्कूल जाएंगे तो यही कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक में, कि अल्टीमेटली भाई आपको समाज के बीच जाना है, चाहे वो प्रोफेसर हो हम जैसा,
या मुकुल नारायण देव जी जैसे वाइस चांसलर हो, या प्रोविसी हो, या रजिस्ट्रार हो, या प्रिंसिपल हो, सब लोग किसके पैसे पे जीते हैं? समाज के पैसे पे। हम एक तरीके से पर्ची भी, हम उनके पैसे पे जीते हैं, तो उनके लिए अगर शुरू से हम काम करते हैं तो क्या गलत है? क्यों मान लिया जाए कि हायर एजुकेशन का जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी, वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करेगा? मैं छोटा सा उदाहरण वर्धा मेडिकल कॉलेज का दूंगा आपको। वर्धा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में जब एक MBBS करने वाला छात्र या छात्रा एडमिशन लेता है, उसी समय उससे कह दिया जाता है उस कम्युनिटी के एक फैमिली को उसको एडॉप्ट करना होता है। और अगर ये 4 या 5 साल तक या 6 साल तक, जब तक उनकी पूरी इंटर्नशिप और MBBS डिग्री नहीं खत्म हो जाती है, उस परिवार की जो मेडिकल नीड होती है उसका वो ख्याल रखता है। आप दवाई खरीद के नहीं दे सकते, उसको बता तो सकते हैं, हाँ ये दवाई खरीद लो ताकि ये रोग तुम्हारा ठीक हो जाएगा, या और कॉम्प्लिकेशन है तो आप मेडिकल कॉलेज उसको ला सकते हैं। आज देखिए क्या हो रहा है हमारे समाज में, कोई बताने वाला नहीं। 10th के बाद वो बच्चा क्या करे कि नौकरी करते हुए 12वीं कर ले? 12वीं का बच्चा क्या करे कि अपनी जीविका उपार्जन के साथ साथ वो ग्रेजुएशन कर ले? हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था वर्धा कि BEd के बच्चे, बहुत सारे मेरे छात्र झारखंड से हैं जो शायद इसमें अगर जुड़े होंगे तो सुन भी रहे होंगे आज मुझे, कि हमने कहा था कि एक फैमिली को तुम एडॉप्ट करोगे BEd करने के दौरान, और जो ग्रिजली कॉलेज को करना चाहिए, और उसका काम एक ही बात होगा, पहले उस फैमिली का एजुकेशनल प्रोफाइल तैयार करना, और उस एजुकेशनल प्रोफाइल के आधार पे जो लोग 10 तक हैं वो 12th कर ले, जो 12th तक हैं वो ग्रेजुएशन कर ले, जो ग्रेजुएशन कर ले वो PG कर ले। आप कहेंगे इससे होगा क्या? देखिए कुछ और नहीं होगा तो कम से कम ज्ञान तो मिलेगा उसको, और डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोग फुल्ली एजुकेटेड हों। और जितने लोग एजुकेटेड होते जाएंगे, मैं आपको बता देता हूं, जो मूर्ख लोग, हम पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बना के अपनी रोटी सेकते हैं, वो काम धीरे धीरे कम हो जाएगा। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण साउथ कोरिया का है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जब अलग हुआ, और साउथ कोरिया ने जब डेमोक्रेसी को अपनाया, क्योंकि पहले कम्युनिस्ट कंट्री था, तो साउथ कोरिया में करप्शन चरम सीमा पे पहुंच गई। और जब चरम सीमा पे बंदे, तो जनता में हाहाकार मच गया कि क्या हो रहा है, जो पैसा मेरे लिए था, मेरे पैसे को कोई और खा रहा है, ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एजुकेशन नहीं था पावरफुल, हर व्यक्ति एजुकेटेड नहीं था, वो बारीकी से उस बात को नहीं समझा था। तो यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसर ने मिलकर रातों रात एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और जनता के बीच में कहा, और कहा कि अगर हमें आप जिताएंगे तो अब तक जितने करप्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हुए हैं दक्षिण कोरिया में, हम पहले दिन उनको जेल में डाल देंगे। लोगों ने कहा यह संभव ही नहीं है, यह हो ही नहीं सकता है। हमारे अपने देश में कोई सोचता था कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या बहुत ताकतवर मिनिस्टर्स जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो जेल जाएगा या उसे वंचित कर दिया जाएगा चुनाव लड़ने से? नहीं सोचा जा सकता था। लेकिन देखिए परिवर्तन हो रहा है, और आपको ताज्जुब होगा साउथ कोरिया में उनकी पार्टी जीती और पहले ही दिन उन्होंने पूर्व के 3 राष्ट्रपति को उठा के जेल में डाल दिया, और एक अपील की उस पार्टी से कि जिन लोगों ने गलत संपत्ति किए हैं या जो गुनाह किए हैं वो अपना गुनाह कबूल कर लें, हम उनको माफी देंगे, अगर नहीं इंक्वायरी में पाए जाएंगे तो उनको जेल देंगे। आपको ताज्जुब होगा, डेटा बताता है कि 90% लोगों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए और बता दिए कि हाँ ये गलती की और ये संपत्ति हमने गलत लिया। और उसके बाद जो दूसरा काम उन लोगों ने किया, वो किया क्या किया उन लोगों ने? एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग किया। मैं गल्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा के में एक पेपर, इंटरनेशनल पेपर पढ़ने गया था, तो वहां एक व्यक्ति मुझे कनाडा का मिला, ही वाज टीचिंग इन कोरियन यूनिवर्सिटी एंड ही टोल्ड मी ऑल स्टोरीज। इसलिए डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति को एजुकेशन की क्षमता से इक्विप करना। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा पेज नंबर 36 पे ये डॉक्यूमेंट कहता है टुवर्ड्स ए मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करता है। ये कहता है कि अगर जो लोग मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं आ पाएंगे उनके लिए हम ODL की भी करेंगे और ODL को मजबूत करेंगे। कभी किसी ODL एजुकेशन को पार्ट करने वाला भारत के किसी विश्वविद्यालय को ये दिमाग में आया कि आज जैसे ऑनलाइन क्लासेस हम लोग डेली ले रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस, वो ODL में लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए?
जो 10 से 5 नहीं होगा, 10 से 5 अगर ओडीएल का छात्र कोई काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, कारखाना में काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, उसको कहिए सुबह ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस जाने के बाद हम तुम्हारे लिए ऑनलाइन क्लास लेंगे। अभी देखिए हम ऑनलाइन ही तो जुड़े हैं आपसे। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं अगर 100 शरीर आपके समक्ष होता तो इसका प्रभाव और ज्यादा होता, कभी मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगा आपके बीच, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये किया जा सकता था। और देखिए पूरे विश्व में और खासकर भारत में ODL के बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहां के प्रोफेसरों के मन में ऐसा क्यों नहीं आया जो आज हम लोग फेस टू फेस मोड वाले कर रहे हैं। और इसीलिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी की बात करता है। हाँ ठीक है, बिना डिजिटल रिवोल्यूशन आए ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सकता है। 100% नहीं किया जा सकता, 60% 70% 80% किए जा सकते। अभी रशिया ने एक कार्यक्रम कराया था कि दुनिया के किन किन कंट्रियों ने डिजिटल इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन में क्या लिया। मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बोल रहा था, वो पेपर छपने वाला भी है, कि कमाल का आप देखिए डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत के सारे लोग वो तमाम डिजिटल इनिशिएटिव्स के नाम भी जानते हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं। तो क्यों ना उसकी व्यवस्था हमारी एजुकेशन में होनी चाहिए। और फिर ये टीचर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इन सब की बात करता है। और तीसरे पार्ट में प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करता है, मैं उस पर आऊंगा। और उसमें एडल्ट एजुकेशन की भी बात की है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन की बात की, और सबसे अच्छी बात साफ साफ इस डॉक्यूमेंट के COVID-19 पेंडेमिक का असर दिख रहा है, और वो क्या है, ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। और कह रहा है कि टू मेक ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन एज ए रियलिटी, वी आर गोइंग टू एंश्योर इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्रेट, फाइन। सो दिस इज इन शॉर्ट। नाउ लेट मी डायरेक्टली गो टू आवर फ्रेंड्स कि इनकी इसका परिचय के रूप में क्या कहा गया है। तो देखिए पहली बात ये डॉक्यूमेंट कहता है, अब थोड़ा एकेडमिक पर्पज से हम बात कर लें, ये कहता है एजुकेशन इज अ फंडामेंटल फॉर अचीविंग ऑल ह्यूमन पोटेंशियल। आई रिपीट, एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। शिक्षा का ये उद्देश्य ही है, मार्टिन ब्यूबर ने कहा है, टू मेक ए मैन ए मैन। सो एजुकेशन इज अ मैन मेकिंग पर्सन। गांधी ने दूसरे तरह से उसे कहा है, विवेकानंद ने दूसरे तरीके से कहा, लेकिन सब यही बात कह रहे हैं। टैगोर ने भाषा बदल दी, लेकिन यही बात कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब उनसे सीखा है, नहीं, इनकी अपनी सोच है। बुनियादी शिक्षा जो है या नई तालीम जो है वो गांधी के सी इंटीग्रल फिलोसफी पे बेस्ड, जिसको इस देश ने सक्सेसफुल नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हम हाईली ऑब्सेस्ड थे वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स। इसलिए हमारी जो पहली लीडरशिप थी उसको अपनाया, और हुआ क्या परिणाम कि शिक्षा हमारे जीवन से कट गई। आज मैं बड़ा साफ कहता हूं कि आज मुझे आपने पढ़ना लिखना सिखा दिया, उस पढ़ाई लिखाई पे मैं रोटी भी कमा लेता हूं, लेकिन आज मुझे कौन सिखाएगा कि मैं अपने जीवन को जीना सीखूं, मुझे जीवन जीना आए। कहने का मतलब मैं वो करूं जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं वो करूं जिससे मैं अपनी जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसको रियलाइज करूं। हर व्यक्ति को कहा गया है कि एक यूनिक ह्यूमन पोटेंशियल होता है, और ये डॉक्यूमेंट की ओपनिंग लाइन ही यही है, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। और अभी कहा गया एक सज्जन के द्वारा कि हम प्रोग्रामर माने जाते हैं, क्रिएटर नहीं माने जाते। नहीं, आप क्रिएटर हैं। देखिए आपने कविता के माध्यम से क्रिएट कर लिया चीजों को, हम हैं क्रिएटर। दुर्भाग्य से सिस्टम हमें क्रिएटिव होने को इजाजत नहीं देता है। मैं बात करूंगा स्कूल एजुकेशन में कैसे। एक बगल का ही कंट्री है, वहां पे 9वीं क्लास के 5 बच्चों के मन में आया कि हम सूर्य के किरणों का ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके रेडिएशन की स्टडी करेंगे, क्योंकि वहां पे रिसर्च जो है उस सेकेंडरी क्लास 7वीं से शुरू हो जाता है, और 9वीं में तो आपको रिसर्च करना ही करना है, रिपोर्ट बनाना ही बनाना है, सबमिट भी होना है, और वो दुनिया के 5 बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में से एक आता है, हालांकि हाईली प्रेशर कुकर एजुकेशन सिस्टम उसका है। उन्होंने अपने टीचर से बात की, टीचर ने प्रिंसिपल से बात की, और टीचर ने कहा कि सर इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो हमारे स्कूल में नहीं है।
तो प्रिंसिपल ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक लेटर लिखा कि हमारे 9th क्लास के 5 बच्चों या 6 बच्चे थे कि टीम ने ऐसा करने को सोचा है, बट द इंस्ट्रूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इट इज नॉट विद अस। सुनिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या लिखा, उसको कहा उस इस देश में नहीं दुनिया में इंस्ट्रूमेंट जहां कहीं भी है यू इमिडिएटली बाय, वी ऑथराइज्ड यू टू इमिडिएटली बाय इट एंड गिव इट टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन कंडक्ट देयर रिसर्च। भारत में अगर सरकार कह भी देगी तो फाइल का इतना लंबा सिलसिला चलेगा कि वो 6 महीने से पहले नहीं होगा। हम आजाद तो हुए लेकिन क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रस्ट से बाहर नहीं निकल रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमें दिए। हम हमेशा एक दूसरे पर, हर चीज के लिए प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ के आप मानेंगे नहीं कि हम ऑनेस्ट हो सकते हैं। हर भारतीय एक दूसरे भारतीयों की मानता है कि बेईमान ही है और चोर ही है। मैं कहना चाहूंगा कि एजुकेशन में अगर पॉलिटिकल विल है और इंप्लीमेंट करने की हम क्षमता रखते हैं तो ये काम किया जा सकता है। अगर वो छोटा सा देश कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अभी अभी कहा गया कि मातृभाषा को लेके प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। अगर कानूनन आप जाएंगे तो कानूनन बड़ा साफ कहता है कि अगर कोई बंगाल का बच्चा तमिलनाडु मूव करता है और गलती से तमिलनाडु का कोई स्कूल बंगाल के बच्चे को एडमिशन दे देता है और वो उसकी मातृभाषा में उसको टीचर मुहैया कराना पड़ेगा तो टीचर के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि तमिलनाडु में भी एक बंगाली शिक्षक को अपॉइंट करना होगा इस स्कूल में, या एक मराठी शिक्षक को करना पड़ेगा, या एक हिंदी शिक्षक को करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश का कानून है। लेकिन दिक्कत क्या है, कानून के अंदर एक कानून है जो इसको कमजोर बनाता है। अभी प्रोफेसर मुकुल नारायण देव जी कह रहे थे कि स्टेट और सेंटर, क्योंकि वो कंकरेंट लिस्ट में है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की सहमति चाहिए, और इसीलिए कुछ राज्य सरकार उस कानून का फायदा उठा के इसको पॉलिटिकल मैटर बना के और चीजों को नहीं लागू होने दे रहे हैं राइट स्पिरिट में, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ओपोजिशनल क्रिटिक। और भारत की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ओपोजिशनल क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है। दूसरी बात जो इसकी इस डॉक्यूमेंट की बहुत बड़ी खासियत है, कल्चरल प्रिजर्वेशन। कहा जाता है कि किसी मनुष्य को नष्ट करना है, मनुष्य उसकी मनुष्यता छीन लेना है, उसको मनुष्य विहीन बना देना है, सिर्फ उसको हाथ ना पास रहे तो उससे उसकी संस्कृति छीन लीजिए। और उसकी संस्कृति छीनने के लिए सबसे बड़ा काम है उसकी भाषा उससे छीन लीजिए। कितना अच्छा होगा कि झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था हो वो झारखंड के ट्राइबल भाषा में हो, क्यों नहीं हो। और मैं मानता हूं कि जब आप एक पक्ष में मजबूत हो जाते हैं तो दूसरे पक्ष में ऑटोमेटिकली मजबूत होते हैं। इफ आई एम गुड एट मैथमेटिक्स आई विल बी गुड एट लैंग्वेज, आई विल गुड एट फिजिक्स, आई विल गुड एट मेनी अदर थिंग्स। सो सिस्टम हैज टू मेक मी द कैपेबल वन। क्यों ट्राइबल नॉलेज को आज भी भारत की मेन स्ट्रीम में नॉलेज नहीं माना जाता है? क्या कभी कोई स्टडी हुई है जानने के लिए कि ज्ञान क्या है? क्या ज्ञान वही है, बुरा नहीं मानेंगे, जो सिर्फ वेद में लिखा है, या जो सिर्फ उपनिषद में लिखा है, जो सिर्फ पुराणों में लिखा है, या जो सिर्फ दर्शनों के माध्यम से होता है? नहीं, ज्ञान वो भी है जिसका तिजारत आम मनुष्य आम जीवन में करता है, एक खास संस्कृति में खास तरीके से उस संस्कृति के लोग समझते हैं। एक काम बैरवा कम्युनिटी पे किया गया कि अरे स्कूल में इसलिए उनका मन नहीं लगता है कि उस कम्युनिटी में जिसको ज्ञान माना जाता है उसको आप ज्ञान मानते ही नहीं है, और उस कम्युनिटी में सबसे बड़ा ज्ञान का द्योतक है वो प्लांट की समझ है, प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू की समझ है, वो आप नहीं दे रहे हैं उसको। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये कल्चरल प्रिजर्वेशन, लेकिन ये कब होगा? जब आप मुझे इतना कैपेबल बना दीजिए कि जो भारत का कल्चरल कैपिटल है उसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाए। भाई क्यों पाटलिपुत्र की धरती पे शून्य को जन्म देने के बाद कोई और इंडिया में वैसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं दिया जो यूनिक हो, जो सबसे अलग हो? क्योंकि उसके बाद अगर किसी का नाम भारत में आता है तो रामानुजम का नाम आता है, लेकिन मॉडर्न इंडिया में तो मुझे किसी का नाम नहीं दिख रहा है मैथमेटिक्स में। और ये कहता है कि SDG 4 की गोल को हम अचीव करेंगे। आप सबको पता होगा SDG 4 का जो गोल है उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जिसका भारत 2015 में ही कर लिया है।
लेकिन बहुत सारे लोगों को, एजुकेशन में काम करने वाले लोगों को, और मैं भी हो सकता हूँ उसमें से, और मैं हूँ, सच्ची सच कह रहा हूँ आपको कि मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल के बारे में नहीं पता था, जो कहता है एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। ये डॉक्यूमेंट कहता है 30 साल तक इसको हम कर लेंगे, और इसके लिए दो काम करना बड़ा जरूरी है जो डॉक्यूमेंट कहता है, द नीड फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग नंबर वन एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च। आपको ताज्जुब होगा, MIT एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आज भी दुनिया का नंबर वन यूनिवर्सिटी है, केवल रिसर्च होता था और वो भी लिमिटेड सब्जेक्ट में, साइंसेस में, बाकी डिसिप्लिन की वहां कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। आप सबने नाम सुना होगा, लैंग्वेज की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पब्लिक इंटेलेक्चुअल स्कॉलर माना जाता है, नोम चॉम्स्की। चॉम्स्की वही प्रोफेसर है जहां सोशल साइंस शुरू हुआ। आज विश्व के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में साइकोलॉजी, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, पूछिए क्यों। कल ही मैंने जम्मू कश्मीर के लिए बोलते हुए कहा कि लोग समझते थे कि डॉक्टर का काम है रोग का इलाज करना, रोगी का नहीं। अरे रोग का, रोगी का रोग का इलाज करना नहीं, मेरा मानना है कि रोगी के रोग का इलाज का नहीं, मनुष्य का इलाज करना जो रोगी हो गया है क्योंकि किसी खास रोग ने उसे ग्रसित कर लिया है। तो रोग को तो ठीक करना ही है दवाई देके या ऑपरेशन करके, लेकिन उसको ठीक करने के लिए उसे रोगी को समझना बड़ा जरूरी है, उसकी साइकोलॉजिकल एंड मेंटल स्टेट को समझना जरूरी है और उसके बैकग्राउंड को भी समझना बड़ा जरूरी है। इसीलिए उसकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए साइकोलॉजिकल स्टडी बहुत जरूरी है। देखिए कुछ डॉक्टर के पास आप जाते होंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, आधा आधे आधे रोग तो आपको उसी समय खत्म हो जाता है जब उस व्यक्ति के सामने आप बैठते हैं, और आधा वो इलाज से आपका खत्म कर देता है, बिकॉज ही हैज डेवलप्ड आउट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस सर्टेन क्वालिटीज हाउ टू मेक पीपुल फील कंफर्टेबल। रुको रुको रुको, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। एक छोटा सा मूवी कहूंगा आपको देखने के लिए, आनंद देखिए, एकमात्र मूवी जिसमें अमिताभ और राइश खन्ना ने दोनों ने एक साथ भूमिका अदा की। कि कैंसर पेशेंट हूं, मर जाऊंगा, लेकिन जब तक नहीं मर रहा हूं तब तक जीवन को जीऊंगा। डोंट यू थिंक दैट द डॉक्टर शुड नो एंड डॉक्टर शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। एंड टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड राइट प्रैक्टाइज ऑल दीज थिंग्स, लाइक मैंने वर्धा मेडिकल कॉलेज का एग्जाम्पल दिया, वहां साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी होते हैं। और कल तो बहुत अच्छा लगा जब कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने कहा कि मैं तो सर ये सोच रहा हूं कि एक फिलॉसफी की भी समझ रखने वाला मैं हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करूंगा। आफ्टर ऑल जीवन क्या है, शिक्षा के लोगों को कौन बताएगा। और इसीलिए जो डेलर्स कमिटी के रिपोर्ट से शायद इसने लिया है, और अच्छी बात है लिया है तो गलत नहीं, क्या है, लर्न हाउ टू लर्न। और कहता है कि अबव ऑल जो 21st स्किल है, थोड़े से जो 21st सेंचुरी की सबसे अच्छी स्किल, मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रोफेसर मुकुल नारायण देव ने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इसको देखा जाना चाहिए। इन द एंड ऑफ माय लेक्चर आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। और ये कहता है 21st सेंचुरी स्किल का इंपॉर्टेंट स्किल यही है, व्हाट्स दैट, to have the critical understanding and critical thinking. Aur ye document page number 3 pe saaf likhta hai how to think critically and solve problems. Critically isliye mat sochiye ki aapko uski alochna karna hai, nahi tum to sab kharab kar rahe ho, sab galat kar rahe ho, ye galat hai. Critical thinking is for the constructive criticism for the betterment and solving the problems. और ये डॉक्यूमेंट कहता है हाउ टू बी क्रिएटिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एंड हाउ टू इनोवेट एडैप्ट एंड अब्सॉर्ब न्यू मटेरियल्स इन नोवेल एंड चेंजिंग फील्ड्स। देखिए कुछ दिनों पहले तक कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं करता था, और अब अचानक से पूरे एजुकेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा हो गया है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कल ये संभव है कि अगर मैं आपको बता रहा हूं, ये संभव है कि मेरे कॉन्शियसनेस को अगर डाउनलोड कर लिया जाए और आप अपने कंप्यूटर पे लगा देंगे तो चंद्रशेखर जी को और संजीता जी को मुझे कॉल नहीं करना होता, सिर्फ प्रमोशन वो परमिशन लेती मुझसे और वो पेन ड्राइव उस पे लगा देती, मैं बोल भी नहीं रहा हूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको
मैं बोल भी नहीं रहूंगा, मैं वर्चुअली वहां प्रेजेंट भी नहीं, अभी भी नहीं प्रेजेंट हूँ, ठीक है, और आप मुझे सुन रहे होंगे, मेरे माइंड को सुन रहे होंगे। एक छोटा सा एनेक्डोट से की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एल्विन टॉफलर की एक किताब है फ्यूचर शॉक, और उस एल्विन टॉफलर ने उस किताब में लिखा कि लगभग आज से 3 दशक के बाद, यानी 30 साल के बाद, विज्ञान में इतनी क्षमता होगी कि मनुष्य का कार्बन कॉपी वो तैयार कर लेगा। मनुष्य क्या मानता था? मनुष्य मानता था कि नहीं, ऐसा कभी नहीं संभव है, क्योंकि मनुष्य का जो ये शरीर है वो तो सिर्फ ईश्वर ही बना सकता है, ईश्वर ही दे सकता है। नहीं, और आपको बताऊं, इसमें ये महज संजोग की बात हो सकती है, इट कुड बी रीजन ऑफ चांस ओनली, बट एग्जैक्टली आफ्टर 30 years ऑफ दैट बुक, व्हेन एल्विन टॉफलर प्रेडिक्टेड दिस आइडिया, साइंस बिकेम केपेबल टू प्रोड्यूस ए कार्बन कॉपी ऑफ ह्यूमन बीइंग थ्रू जीनोम टेक्नोलॉजी। तो आप सोचेंगे, अब एक सवाल आप कर सकते हैं, तो फिर कार्बन कॉपी क्यों नहीं बनने के लिए इजाजत दे रहा है? विज्ञान ने बना लिया है, देख रहे हैं कि आप जानवरों का वो कार्बन कॉपी करता है, मनुष्य का क्यों नहीं बनने दे रहा? क्योंकि उसमें एथिकल प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है, एथिकली दैट विल बिकम रॉन्ग। कल्पना करिए कि प्राइम मिनिस्टर के 5 कार्बन कॉपी हो जाए, दुनिया के सुपर रिच के 5 कार्बन कॉपी हो जाए, या दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के 5 पति हो बना लिया जाए एक ही कार्बन कॉपी, क्या स्थिति होगी? तो उसमें देखिए सोशल एथिकल एंड मॉरलिटी इन्वॉल्व है, इसलिए विज्ञान को ऐसा करने की देने के लिए पूरी दुनिया की साइंस कम्युनिटी ही नहीं इजाजत दे रही है। फिर लोगों ने कहा कि भाई कार्बन कॉपी तो बना लिए, क्या गांधी का कार्बन कॉपी बना लेने के बाद गांधी जैसा ही सोचने वाला व्यक्ति बन जाएगा, या टैगोर जैसा सोचने वाला व्यक्ति बन जाएगा, या बिरसा मुंडा जैसा व्यक्ति बन जाएगा, या और भी बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा सकता है। मेरा मानना है कि जब एजुकेशन अपने प्रकाष्ठा पे होगा तो होगा, तो पूछिए कैसे होगा? तो वो होगा कॉग्निटिव साइंस के जरिए, और कॉग्निटिव साइंस में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होगा कि वो उस दिन होगा जब आप मनुष्य की कार्बन कॉपी करने के बाद जिस तरीके से आज हम लोग अपलोड और डाउनलोड कर लेते हैं मटेरियल, उसी तरीके से ह्यूमन कॉन्शियसनेस की पूरी समझ हो जाएगी, तो उस कॉन्शियसनेस को हम अपलोड भी कर देंगे और डाउनलोड भी कर लेंगे। एंड दैट विल हैपन। और उसके लिए क्या चाहिए? क्रिएटिव माइंड चाहिए, कंस्ट्रक्टिव माइंड चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग करने की एबिलिटी चाहिए, और नई नई चीजों को एब्जॉर्ब करिए। मुझे याद है कि जब भारत में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तो पार्लियामेंट में सो कॉल्ड जो बैकवर्ड थिंकिंग के हमारे लॉ मेकर्स थे, उन सब ने एक सुर में अपोज किया था इसका। भाषा को लेके यही बात कही थी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ लोग हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिक्कत क्या है हमारे साथ, हम जाति से एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, धर्म से करते हैं, क्षेत्र से करते हैं, अरे आपने उनका नाम क्यों ले लिया, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन उस जाति से है तो वो हर्ट फील करता है। हाँ, स्वाभाविक भी है, गलत भी नहीं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये पार्लियामेंट में रिकॉर्डेड है, आप जाके देखिए। कुछ लोगों ने कहा था कि अंग्रेजी में बोलने वाले और अंग्रेजी पढ़ने वाले अंग्रेज के औलाद होते हैं, और उन्होंने खुद स्वयं, उस व्यक्ति स्वयं ने अपने पुत्र को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए बाहर भेजा। मैं नहीं कहता अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कम से कम दुनिया के 50 कंट्री में अगर मैं अंग्रेजी अच्छा बोल लेता हूं तो मेरा सिक्का चलेगा। लेकिन प्रारंभिक मूल रूप से अपनी भाषा में बात कहने की सामर्थ्य तो पहले विकसित कर दीजिए। क्यों मातृभाषा बेडरूम की भाषा हो जाए, जहां माँ और पिता और पुत्र में और पुत्री के बीच केवल संवाद हो, या क्लोज रिलेशनशिप में हो? क्यों नहीं घर के चौकट से बाहर वो भाषा जानी चाहिए, जैसा जापान ने किया, चीन ने किया, रशिया ने किया, जर्मनी ने किया, फ्रांस ने किया, इटली ने किया, बहुत सारे कंट्री ने किया। इवन अफ्रीका का एक कंट्री है, उसके यहाँ 76 ट्राइबल लैंग्वेजेज है, और उसकी प्रारंभिक शिक्षा की किताब 76 भाषा में छपती है। हमसे वो अमीर नहीं है, बहुत गरीब है। और इसीलिए डॉक्यूमेंट कहता है पेडागॉजी मस्ट इवॉल्व
टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल, यानी अनुभव को जगह दो, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात कहता है एंजॉयबल। एंजॉयबल का मतलब प्ले वे मेथड नहीं है। कई बार लोग मॉन्टेसरी की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो तो प्ले वे मेथड की बात करते हैं। प्ले वे मेथड मतलब खेलना नहीं है, वो पढ़ाई को खेल बनाना है, खेलना नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। मतलब कि किसी भी संकल्पना को खेल का माध्यम बनाना और किसी भी संकल्पना को के साथ खेलना, दोनों अलग अलग चीज है। जब संकल्पना के साथ खेलना आ जाता है तो आप समझिए उस संकल्पना की बड़ी गहराई से आपकी समझ हो जाती है और उस संकल्पना के पूर्ण स्वरूप को आप समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई रोने के बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन कौन सा रोने का शब्द कहां उपयोग होगा आपको पता होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई इट सेज मेक इट एंजॉयबल, खासकर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को। इट ऑल्सो सेज, सो लेट्स डायरेक्टली गो टू द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पॉलिसी, कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है इस पॉलिसी की। और जब मैं शुरू में कहा था कि ये ऑगमेंटेड है, तो पेज नंबर 4 पे इसने लिखा है क्या, द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 मॉडिफाइड इन 1992, हालांकि 68 को इसने कोट नहीं किया है, लेकिन करना चाहिए कोई, उन सब के अनफिनिश्ड एजेंडा को हम पूरा करेंगे। जैसे हो सकता है 20 साल 30 साल के बाद इस पॉलिसी की भी जो अनफिनिश्ड एजेंडा हो उसकी बात करेंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से हम पूर्णता में तो बात करते नहीं। और इसके लिए केवल सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, हम भी जिम्मेदार हैं। हम जितने एजुकेटेड और अच्छे थिंकिंग के लोग होंगे उतनी ही हमारी एजुकेशन मजबूत होगी दोस्तों। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस पॉलिसी? एज फार एज द प्रिंसिपल ऑफ दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट एनपी 2020 इज कंसर्न, इट वेरी क्लियरली अंडरलाइंस द पर्पस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज टू डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स। एरिस्टोटल से किसी ने पूछा था कि क्यों मुझे अच्छा होना चाहिए, उसने कहा बी गुड फॉर द सेक ऑफ गुडनेस, कि अच्छा बनने से ये ही अच्छा होगा ना, या ये अच्छा नहीं बनने से ये बुरा होगा, कहा ना बी गुड फॉर द सेक ऑफ गुडनेस, अच्छा होने के लिए अच्छा बनो। इसके क्या फायदे हैं नुकसान है मैं कुछ नहीं बताने जा रहा हूं। तो ये बड़ा साफ कहता है गुड ह्यूमन बींग्स, अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। अरे बड़ा मुश्किल है अच्छा मनुष्य होना, क्यों? क्योंकि पैदा होते ही इतने इमोशंस आ जाते हैं हमारे साथ, अब गॉड देता है या ह्यूमन जीन में वो इमोशंस हैं कि हम ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी कहते हैं, डाह भी करते हैं, प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, ये सारे इमोशंस का पुतला है मनुष्य। और इन सबके ऊपर विजय पाना का मतलब होता है गुड ह्यूमन बीइंग होना। अभी मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, हायर बुद्धिस्ट स्टडीज वाराणसी में एक लेक्चर दे रहा था। लोग कहते हैं तर्क जो है वो सिर्फ मनुष्य को रैशनल बनाता है। मेरा स्टैंड पॉइंट है कि तर्क जो है, तार्किक शक्ति जो है, वो सिर्फ रैशनल नहीं बनाता है, वो हाईएस्ट एथिकल बनाता है। चंद्रशेखर जी मुझे जान ही पाए उस दिन, जिस दिन मैं एपिस्टमोलॉजी पे कुछ बोल रहा था किसी विश्वविद्यालय में, वो भी रिफ्रेशर कोर्स कर रहे थे, और बाद में उन्होंने खत्म होते ही उन्होंने कहा कि मुझे एक प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर दिया, और उसके बाद उनको अच्छा लगा। और मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर संजीता जी का और चंद्रशेखर जी का कि उन्होंने आप लोगों से भी जुड़ने का मौका दिया। कि मेरा पॉइंट है कि नहीं, तर्क सिर्फ आपको रैशनल और लॉजिकल नहीं बनाता है, रैशनल एथिकल बनाता है। ये सही उचित अवसर नहीं है, अभी तो मैं एनपी की बात कर रहा हूं, कि मैं वरना उस पर मैं आपसे जरूर बात करता। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस पॉलिसी एनपी 2020 इज, आई वुड लाइक टू कोट एंड आई कोट, द पर्पस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज टू डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स capable of rational thought of action. अब जरा सोचिए, possessing compassion and empathy
कहाँ है हम हमारे पास कंपैशन, कहाँ एम्पैथी होती है हमारे पास? करेज एंड रियलिस्टिक साइंटिफिक टेम्पो एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को तो कर्म कर देते हैं, विद साउंड एथिकल मूडिंग्स एंड वैल्यूज। मुझे लगता है कि हर यूनिवर्सिटी कॉलेजेज और कॉलेज ऑफ एजुकेशन और स्कूल को ये लाइन लिख के चिपका देना चाहिए मोटे मोटे बड़े बड़े अक्षरों में, द पर्पस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज टू डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग्स कैपेबल ऑफ रैशनल थॉट्स एंड एक्शन पजेसिंग कंपैशन एंड एम्पैथी करेज एंड रेजिलेंस साइंटिफिक टेम्पो एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन विद, इसको लाल से अगर मल्टीपल कलर यूज करें तो इसको रेड कलर से लिख दीजिए, विद साउंड एथिकल मूडिंग्स एंड वैल्यूज। और इसीलिए एरिस्टोटल ने कहा था कभी कि मुझे अगर ईश्वर बहुत चिल्लाने की क्षमता दे दे तो एथेंस की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मैं चढ़ जाऊंगा और चढ़ने के बाद मैं जोर जोर से चिल्ला के कहूंगा कि हे एथेंस वासी, अगर तुम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ कर सकते हो तो सिर्फ एक काम करो और वह अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, गुड एजुकेशन। इसलिए मैं कह रहा हूं इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पहले तो पढ़िए मित्रों, खूब पढ़िए और जितनी बार पढ़ेंगे नई इंसाइट होगी। देखिए कितनी बढ़िया परिभाषा दी है प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी के रूप में कि एजुकेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जबकि एजुकेशन के उद्देश्य के रूप में हम गांधी टैगोर ने इंडिया में इन लोगों को पढ़ते हैं, गिजुभाई बधेका को पढ़ते हैं और भी बड़े बड़े नाम सोक्रेट एरिस्टोटल प्लेटो सबको पढ़ते हैं। देखिए सब कितना बढ़िया सार लिखा है, गांधी का भी रिफ्लेक्शन मिलेगा, टैगोर का भी मिलेगा, विवेकानंद का भी मिलेगा और स्थानीय भी मिलेगा। तो कहता है द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट विल गाइड बोथ द एजुकेशन सिस्टम एट लार्ज एंड एज वेल एज द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन विद इन इट आर नंबर वन रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। मैं तैर सकता हूं, मुझे तैरने की ट्रेनिंग दो ना, तेंदुलकर तो 12वीं नहीं पास किया, कभी नहीं कर पाया, आपको पता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल ड्रॉप आउट जो आज सबसे रिच माना जाता है, हालांकि अब दूसरे नंबर पे चले गए, जेफ बेजोस नंबर वन पे आ गए, बिल गेट्स स्कूल ड्रॉप आउट। हम ये कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में कम से कम ऐसा बना दो कि तुम जो करना चाहते हो करो, और वो ये कर रहा है। आपको पता होगा कि हायर एजुकेशन में बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने के बाद ही जा सकता है, टू सेमेस्टर यानी एक साल वो पूरा करेगा, सर्टिफिकेट लेगा, फिर जाएगा समाज में काम करने। जाओ, लोगों को लगता है पहले पढ़ाई कर लें फिर हम करें, नहीं। मैंने जब मैं हेड एंड डीन था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में भी, तो वहां पे मैंने यही मॉडल एजुकेशन का बनाया था कि चार सेमेस्टर का एजुकेशन में हर छह महीने के बाद हम बच्चियों को कहेंगे तुम छुट्टी पे जा सकते हो, जब आना होगा आना, चार साल बाद पांच साल बाद आना। और पता है हमारी इस पॉलिसी ने क्या कहा है, उसके लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक की व्यवस्था की है। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक कार खरीदना है 5 लाख रुपए का, तो मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लूं और थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालूं, जिस दिन 5 लाख होगा मैं कार कंपनी को फोन करूंगा या जाऊंगा चेक काटूंगा और ले लूंगा, तो जिस दिन मेरा क्रेडिट पूरा हो जाएगा उस दिन मुझे सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, डिग्री की डिग्री मिल जाएगी और ग्रेजुएट हो जाऊंगा मैं, इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊंगा, इसी तरह से एमफिल हो जाऊंगा, पीएचडी हो जाऊंगा। अब लोग कहने लगे अरे ये मॉडल तो आपने अमेरिका से ले लिया। अरे कहीं से लिया, लेकिन अमेरिका से क्यों लिया? आप भूल जाते हैं अपने नालंदा को, आप भी भूल जाते हैं तक्षशिला को, आप भूल जाते हैं विक्रमशिला को, आप भूल जाते हैं भांबरी को। और कोठारी कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा ब्रिंग एजुकेशन क्लोजर टू द लाइफ एंड नो नीड टू हैव आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो पहली बात कहा है इसने कि कैसे करेंगे टू रिकॉग्नाइज टू आइडेंटिफाई एंड टू फोस्टर द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। एंड इट सेज एज अभी जो मैंने उदाहरण दिया, फ्लेक्सिबिलिटी इज द की, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन ह्यूमैनिटीज साइंसेस,
social sciences, etc., etc. लोग कहते हैं कि ये बड़ा डेंजरस होगा. नहीं होगा. मेरा एक छात्र जो बीएड किया था वो एमए इंग्लिश था, और मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते एक दिन कहा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने ऐसे कहा अपनी ओर इशारा करते हुए कि मैं भी समाज का परजीवी हूं. कहा कैसे सर? मैंने कहा मैं समाज के पैसे पे जी रहा हूं. मैंने एमफिल पीएचडी कहता हूं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा, लेकिन उसके बाद मैं अपने लिए कुछ नहीं क्रिएट कर पा रहा हूं. मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी तभी मैं जी पा रहा हूं. उस बच्चे को पता नहीं क्या सूझा, उसने कहा कि सर मैं सबके सामने वचन लेता हूं कि मैं सरकारी शिक्षक नहीं बनूंगा. मैंने कहा अरे, सबने कहा अरे छोड़ो तुम ऐसे ही बात कर रहे हो. कहा नहीं, नहीं करूंगा. और वो सरकारी शिक्षक नहीं बना. बीएड करने के बाद अपना ट्यूशन शुरू किया, स्कूल भी नहीं शुरू किया. कहा कि फिर सर मैं कमर्शियल हो जाऊंगा, केवल पैसे के लिए सोचूंगा. दुर्भाग्य से कुछ स्कूल और कॉलेजेस जो खोले गए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए तारीफ की कि प्रिंसिपल को वहां फाइनेंशियल अथॉरिटी और फाइनेंशियल पावर भी है जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में नहीं होता है, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य होता है पैसा हासिल करना, पैसा कमाना. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने जब ये बात कहा कि सर ग्रिजली एजुकेशन के बारे में मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, और ये बात मुझे उपेंद्र जी ने बताई. मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर. और उसने अपना शुरू किया और बहुत ही पॉपुलर टीचर हो गया. कहता है सर सुबह उठता हूं और बैठ जाता हूं, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही नाश्ता करना पड़ता है और शाम तक पढ़ाता हूं. लेकिन बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप गणित पढ़ाओ. मुझे सर गणित नहीं आता. तो मैंने कहा तुमने कहाँ तक गणित पढ़ी है? सर ट्वेल्थ तक. लेकिन मैं ग्रेजुएशन को भी गणित पढ़ाना चाहता हूँ. वो बच्चा आया मेरे पास मिलने के लिए और पूरे चमचमाती कार में कहा सर बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा. आपने कहा था कि परजीवी नहीं बनना है, तो परजीवी नहीं हूं मैं, पैरासाइट नहीं हूं. मैं सबसे कहता हूं याद रखिए, एक रुपया भी जो आप तनख्वाह लेते हैं ना, वो उस देश के गरीब जनता का पैसा है. मजदूर मजदूरी कर रहा है, जो सड़कों पर रिक्शा चला रहा है, ये उसका हिस्सा है जो काट के भारत की शिक्षा व्यवस्था हम जैसे और आप जैसे लोगों को देता है. तो क्या हमारी कोई मोरालिटी नहीं है उनके प्रति? मैं अक्सर कहता हूं. खैर उस बच्चे की कहानी पूरी करता हूं. वो आया और उसने कहा कि सर मैं मास्टर इन मैथमेटिक्स करना चाहता हूं. तो मैंने कहा तुमने गणित कहां तक पढ़ी है? तो कहा सर ट्वेल्थ तक पढ़ाओ मैं कर लूंगा. एक काम करो तुम एडिशनल बीए के लिए अप्लाई कर दो. तो उसने मैथमेटिक्स, एडिशनल मैथमेटिक्स इन बीए के लिए अप्लाई कर दिया. और हाँ टाइम लगा उसको, लेकिन वो ग्रेजुएशन कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, और आज वो लड़का मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा है. मैं ये क्यों कह रहा हूँ? कुछ लोग सोचते हैं जो गणित पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वो बहुत विद्वान होते हैं, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत दिमाग होता है उनके पास. ऐसा नहीं है. उतनी ही दिमाग काफी है, वही दिमाग काफी है जो दिमाग अंग्रेजी को पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ सकता है, सोशियोलॉजी को पढ़ सकता है, वही दिमाग काफी है गणित को पढ़ने के लिए. मेरे पास उदाहरण है ऐसे. और वो डॉक्यूमेंट की मित्रों खासियत है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन. साइंटिस्ट लोग बड़े गर्व करते हैं, अरे तुम साइंस नहीं समझोगे. अरे क्यों नहीं समझेंगे हम? आप समझाइए तो, आपको समझाना नहीं आ रहा है. मैं बहुत गणित के मैथमेटिक्स प्रोफेसर हमारे यहाँ भी हैं, उनसे मेरी अच्छी बनती है. प्रोफेसर के ही, वो मैथमेटिक्स के ही प्रोफेसर हैं. हालांकि इस हर मीटिंग वो कहते हैं कि प्रोफेसर अरविंद झा भी मैथमेटिक्स के हैं. हालांकि मैं पेडागोजी और मैथमेटिक्स ही पढ़ाया है. तो मैं उनको कहता हूँ कि यू टेल मी फॉर हाफ एन आवर, एक घंटे तक मुझे बताइए कि गणित क्या है और गणित शिक्षा क्या है. ऐसा नहीं वो व्यक्ति नहीं कर सकता है, दुर्भाग्य से सिस्टम में इसका प्रोविजन ही नहीं कि वो गणित के, गणित के कंटेंट के साथ साथ गणित की एजुकेशन को पढ़े. व्हाट इज अ मैथमेटिक्स एज अ मैथमेटिक्स एजुकेशन, और व्हाट इज इट दैट मेक्स मैथमेटिक्स एज अ मैथमेटिक्स एजुकेशन, व्हाट इज इट दैट मेक्स फिजिक्स एज अ फिजिक्स एजुकेशन. मतलब गणित की पूर्णता में समझ, भौतिक की शास्त्र की पूर्णता में समझ. और गणित कहां जन्म लेता है? लोग कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में. हाँ कुछ हद तक सही है, लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क कहां जन्म लेता है? मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा उससे. तो मैं कोट करूंगा नॉम
बाइगोस्की को कि जब लोग कहते हैं कि सारे ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म होता है, तो मैं पूछना चाहता हूं मनुष्य का मस्तिष्क कहां बनता है? तो बाइगोस्की और पियाजे में कभी नहीं बनी। पियाजे बायोलॉजिस्ट थे और जो बाइगोस्की थे वो सोशल साइंटिस्ट थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। तो उसने कहा कि देखिए मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसके समाज में जन्म लेता है। सो वेयर इज द माइंड? माइंड डजंट रिजाइड इनसाइड द हेड, माइंड इज आउट देयर इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी इन विच ए मैन इज और ए वुमन इज। So as is your society, so is your mind. And that we educationists need to understand, friends. Uske baad ye kehta hai, emphasis on, and for this, what is it needed? Emphasis on conceptual understanding. Main apni koi baat nahi kar raha, main to apni baat sirf anecdote aur clarification ke liye kuch udaharan aapko de raha hu. And human and constitutional values की बात करता है, promoting multilingualism की बात करता है, and the power of language की बात करता है। देखिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होने के लिए कतई नहीं कहता है, मैं बिल्कुल सहमत हूं डॉक्टर मुकुल नारायण देव जी से कि प्राथमिक शिक्षा पे एक और भाषा पढ़ाइए, एक नहीं तीन पढ़ाइए, लेकिन मूलतः प्राथमिक शिक्षा पे मातृभाषा होने दीजिए। सो टुडे व्हाट इज हैपनिंग, I'm equally comfortable to talk in Mathli. जहां तक बातचीत की बात, भोजपुरी, English, Hindi, I can understand Sanskrit very well, and other one or two international languages. आप में चाहत तो हो उसको सीखने के लिए, मुझे Spanish बहुत अच्छा लगता है। Spanish का जो number का खास नाम आप Spanish भाषा में सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हिंदी और संस्कृत के बड़ा क्लोज है। कभी आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कभी मैंने फ्रेंच सीखना शुरू किया था, तो यू कैन, और कहा क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एनीवे ये शॉर्ट में, और बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड पीपल को ये पीछे नहीं छोड़ रहा है, ये कह रहा है फुल्ली इक्विटी एंड इंक्लूजन। और इसने कहा कि फुल्ली इक्विटी एंड इंक्लूजन एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल एजुकेशन डिसीजंस to ensure that all students are able to thrive in the education system. Aur regulation ki baat ki, regulation ke bare mein bada saaf kaha hai, light but tight. Outstanding research ke bare mein baat ki, jiske liye NRF ki kalpana ki hai, National Research Foundation ki. Bas general education ke bare mein aapse yahi share karunga jaldi se, chuki teacher college of education organize kar raha hai, to main zara school education ke bare mein bhi baat kar lu. देखिए सीधा सीधा स्ट्रक्चरली स्कूल एजुकेशन का दो तरह का स्ट्रक्चर देता है, 10+2 के जगह पे अब 5+3+3+4 होगा। आई रिपीट, 10+2 के जगह पे 5+3+3+4 होगा। तो 10+2 में आपको पता था कि क्या था, कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन था उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, बच्चा 5 साल पूरे होने के बाद, 5 साल 1 दिन का मतलब 6ठा साल स्कूल जाता था, और 16 साल तक वो 10 साल की सेकेंडरी एजुकेशन लेता था, और 16 पूरा करते हुए 16-18 का मतलब ही होता है 16 साल एक थे, यानी 17वें साल में वो 11th में चला जाता था, 18वें साल में और उसकी स्कूल एजुकेशन खत्म हो जाती थी। यानी 10 साल की एजेस था 6-16, और 2 साल का सीनियर सेकेंडरी था, एजेस था 16-18। उसकी जगह पे इस पॉलिसी ने पूरे एजुकेशन को 4 हिस्से में बांटा है, कितने में? 4, और उसका नाम रखा है फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। अब सीनियर सेकेंडरी नहीं होगा, आई रिपीट, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। अब आप पूछिएगा कि फाउंडेशन में क्या आया है, तो फाउंडेशन कितने दिनों का होगा? फाउंडेशनल 5 साल का होगा, प्रिपरेटरी 3 साल का होगा, मिडिल स्कूल 3 साल का होगा, और सेकेंडरी 4 साल का होगा। हमारा पड़ोस का देश है, वहां पर सिस्टम चल रहा है, आई नो दैट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेरी वेल। अब फाउंडेशनल जो 5 साल का होगा, क्या फाउंडेशनल 5 साल का जो होगा उसमें 3 साल को इन्होंने बाल वाटिका कहा है, जिसमें क्या करेंगे, आंगनबाड़ी और प्री स्कूल दोनों मिलके काम करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आंगनबाड़ी में नौकरी मिलने वाली है,
और कल जैसा कश्मीर का एक्सपीरियंस है कि उसके कमिश्नर बोल रहे थे, कमिश्नर सेक्रेटरी, कि मैं तो सिर्फ एजुकेटेड लोगों को ही एब्जॉर्ब करने जा रहा हूँ आंगनबाड़ी में, इसलिए आंगनबाड़ी में अब हाईली एजुकेटेड लोगों की जरूरत है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आंगनबाड़ी के और प्री प्राइमरी एजुकेशन के लोगों में, सिस्टम में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर से कम नहीं होनी चाहिए। भारत में एजुकेशन सिस्टम को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो एक काम कर लीजिए, प्री प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक सबकी सैलरी बराबर कर दीजिए और कहो अब तुमको जितना इंटरेस्ट है अनुसार तुम उस एरिया में जाओ, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं हायर एजुकेशन में रहूंगा, कल को अच्छा लगेगा सेम सैलरी मेरी प्रोटेक्ट होगी, मैं स्कूल में चला जाऊंगा, मैं प्राइमरी में चला जाऊंगा, मैं कॉलेज में चला जाऊंगा। दुर्भाग्य से भारत में जो डिफरेंशिएशन और का जो हायरार्की मॉडल है वो सबसे ज्यादा एजुकेशन में है। सेम क्वालिफिकेशन, मैंने कई बार कहा इस प्लेटफॉर्म पे कि लोग सेम क्वालिफिकेशन के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं अपने को सुपीरियर समझते हैं और आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो इन्फीरियर समझते हैं। क्यों भाई, इन व्हाट सेंस माय कॉलेज टीचर्स आर इन्फीरियर टू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। आपने ब्रिटिश एजुकेशन मॉडल लिया हायर एजुकेशन में, नहीं, और आपको पता होनी चाहिए और पता होगा, मुझे इस भाषा में नहीं बात करनी चाहिए, आपको पता होगा कि भारत में जब 1857 में चार विश्वविद्यालय बने, तीन, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तो क्या हुआ था, वो उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, वो डिग्री ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी था, यानी बोर्ड की तरह काम करता था। आप जरा हिस्ट्री को पढ़िए। लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे, जैसे यूनिवर्सिटी ने टीचिंग लर्निंग करना शुरू किया उसने कॉलेज को किराना शुरू किया और कहा कॉलेज के टीचर्स तुम इंफीरियर हो, हम सुपीरियर हैं, हम सिलेबस बनाएंगे तुम्हारे लिए, तुमको पढ़ाना है। वाह, मुझे ऑक्सफोर्ड में रहने का मौका मिला, ऑक्सफोर्ड में ये मॉडल नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में एमएड कर रहे होते हैं लेकिन उस पेपर का टीचर जिस भी ऑक्सफोर्ड के कॉलेज में सबसे अच्छा होता है, मैं मेंसफील्ड कॉलेज में ठहरा होता, मेंसफील्ड कॉलेज में आके वो बच्चे पढ़ते हैं या और भी जो कॉलेजेस उस कैंपस में है। क्यों? क्योंकि उस पेपर का सबसे बढ़िया टीचर कॉलेज में है, विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में नहीं है। जो पाल का फाउंडेशनल होगा उसमें तीन साल आंगनबाड़ी और प्री स्कूल मिलके काम करेंगे, जिसको बाल वाटिका कहा जाएगा, और एज होगा तीन साल का बच्चा जैसे एज पूरा करता है 3 से 6 साल, यानी 3 साल 1 महीने से लेके जब तक वो 6 साल पूरा करता है, और 6 साल 1 महीने जैसे हो जाएगा वो क्लास 1 में चला जाएगा और क्लास 2 करेगा 6 साल से 8 तक। ये हुआ 5 साल का फाउंडेशनल पीरियड। उसके बाद बच्चा चला जाएगा प्रिपरेटरी में, जिसके लिए आपने देखा कि उसमें एज क्या होगा 8 to 11, क्लास 3 to 5। फिर बच्चा मिडिल में चला जाएगा, यानी अब मिडिल स्कूल वही रहेगा 6 to 8, और 6 to 8 में बच्चे की उम्र होगी 11 साल। मैं अभी म्यूट हूँ। हाँ, थैंक यू। अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। आ रही। हाँ, मेरा कनेक्शन बीच में खत्म हो गया, यही टेक्नोलॉजी की कमी है, इसलिए मनुष्य का मुकाबला मनुष्य की जरूरत पड़ेगी ही शिक्षा व्यवस्था में। अगर मैं शायद आपके सामने खड़ा होता हॉल में तो मेरी आवाज नहीं चली जाती। एनीवे, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। स्कूल एजुकेशन में जो तीसरा होगा वो होगा क्लास 9 to 12, यानी क्लास 9 से लेकर 12 तक की जो शिक्षा कहलाएगी वो अब सेकेंडरी एजुकेशन कहलाएगी। खैर, आगे चलते हैं मित्रों। ये तो हुआ स्ट्रक्चर के लेवल पे, आगे क्या है इसमें, क्या स्ट्रक्चर के अलावा भी इसमें कुछ है? बिल्कुल है।
ये कहता है पॉलिसी बड़े साफ तरीके से, स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, मोटे मोटे बहुत छोटी छोटी बातें मैं करूंगा और मूव करूंगा, क्योंकि 1:15 पे मैंने टाइम लिमिट कर रखा है, अपनी बात को खत्म भी करना है। स्कूल एजुकेशन के बारे में ये कहता है कि क्या प्रीवियस पॉलिसीज को ये ध्यान में लेगा, बिल्कुल लेगा जैसा कि मैंने कहा था, और उसके लिए स्कूल एजुकेशन में क्या करेगा। तो पहली बात इसने कहा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और उसके लिए द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग की बात करता है। सो ओवर 80% ऑफ चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6। क्यों उसको फाउंडेशन कहा है? क्योंकि ऐसा मानता है विज्ञान या न्यूरोसाइंस कि 85% जो मनुष्य के ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो उसी अवस्था में होता है। इसलिए जैसी डेवलपमेंट आप करेंगे वैसा होगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इंडिया में श्री अरविंदो घोष का है। उसके माता पिता चाहते ही नहीं थे कि वो बांग्ला भाषा बोले, तो उन्होंने अपने फैमिली में सबको कह दिया कि इससे कोई बांग्ला में बात नहीं करेगा, और घर पे 3 भाषा पढ़ाने वाले उसको आते थे। जब उससे बात नहीं मिले बनी तो चूंकि वो पैसे वाले थे अपने बच्चों को उन्होंने भेज दिया फ्रांस, और इसलिए श्री अरविंदो घोष की जो पहली भाषा बनी वो फ्रेंच थी, दूसरी इंग्लिश। वो तो इंडिया जब दोबारा आए तब वो बांग्ला सीखा उन्होंने, और तब उन्होंने जो उपनिषद का ट्रांसलेशन किया, आप सबको पता है सिविल सर्विसेज के रिटर्न एग्जामिनेशन उन्होंने क्लियर भी कर लिया था। बाद में वो क्रांतिकारी हुए और बाद में फिर वे आध्यात्मिक दुनिया में चले गए। श्री अरविंदो घोष ने फ्रेंच और इंग्लिश में लिखना शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने बांग्ला किया, और फिर संस्कृत का अध्ययन किया, और उपनिषदों का ट्रांसलेशन उन्होंने इंग्लिश और बांग्ला दोनों में किया। इसने कहा कि चूंकि 85% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, इसीलिए ECCE पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में इन्होंने कहा कि बच्चा जब सवेरे सवेरे आएगा तो उसको नाश्ता भी दिया जाएगा, उसके हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके बहुत सारी छोटी मोटे काम करने पड़ेंगे। इसलिए आंगनबाड़ी को स्कूल से जोड़ दिया जाएगा, आंगनबाड़ी और स्कूल को क्लोजली कनेक्टेड होके काम करना होगा। और उसके लिए ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहता है ECCE आइडियली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टीफेसेटेड मल्टीलेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। आप देखिए ना, आप जब छोटे थे अपने माँ बाप से जितने सवाल करते थे, अब आप सवाल करते हैं नहीं? क्यों? आपको कहा जाता है चुप। क्या मतलब है? इसका मतलब इनक्विजिटिवनेस को आप खत्म कर देते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इसके लिए क्या किया जाएगा, NCPEFECCE तैयार की जाएगी। अब आप पूछेंगे NCPF क्या बला है? NCPF है ए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन तो आप जान ही गए ECCE, और उसके ठीक से कैसे चलाया जाए उसके लिए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, और ये जिम्मेदारी NCERT को दी जाएगी। आपको पता है कि NCERT स्कूल एजुकेशन का एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। NCERT का हर काम लॉ नहीं होता है, एडवाइजरी है, लेकिन वो इस काम को करेगा ऐसा कहा गया है। ECCE को जैसा कि मैंने कहा कि यूनिवर्सल एक्सेस के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स विल बी स्ट्रेंथेंड विद हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत अच्छी बात है। प्ले इक्विपमेंट एंड वेल ट्रेन्ड आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड टीचर्स, इसलिए अब आंगनवाड़ी वर्कर्स और टीचर्स दोनों एक साथ होंगे। अभी एक लड़की है, उसने डिजाइन इंजीनियरिंग में काम BTEC किया और MTEC किया है, शी इज डूइंग नाउ मास्टर। उसने कहा कि मुझे बच्चों के टॉयज को डिजाइन करने सीखना है। तो आई थी मुझ पर मेरे पास कि सर आप एजुकेशन का है, जरा मुझे बताइए कि किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए बच्चों के टॉय को करने के लिए। तो पहली बात जो आम लोग कहते हैं कि भाई टॉय हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा मुंह में भी लेगा टॉय को, हार्ड होगा तो इंजरी ज्यादा होगी, इसलिए सॉफ्ट होना चाहिए। अब सॉफ्ट होगा तो किस मटेरियल का बना होगा? टॉक्सिक मटेरियल का नहीं बना होगा, इनटॉक्सिक मटेरियल का बना होगा। तो उसके लिए कहा जाता है कि क्या किया जाए, ऐसे मटेरियल की खोज करनी पड़ेगी। और मैंने उसको ये सजेशन दिया कि उस स्थानीय जगह पे जो चीजें उपलब्ध हैं उसका टॉय बनाइए आप।
भाई प्लास्टिक के खिलौने क्यों दिखाएंगे आप? अगर वो बड़ा खिलौना सामने रखा हुआ है जिसको बच्चा छू सकता है, केवल देख सकता है बड़े कुत्ते को, घोड़े को या किसी ऑब्जेक्ट को, तो लकड़ी का भी बना के रखा जा सकता है। अब कहेंगे लकड़ी तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तो जो है वही करिए। लेकिन ये कमी पॉलिसी बड़ा साफ कह रहा है, फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू ECCE आंगनबाड़ी सेंटर्स विल बी स्ट्रेंथेन्ड। और तब वो बच्चा, ठीक है, इसके बाद वो बच्चा मूव कर जाएगा प्रीपरेटरी क्लास में और बाल पाठ्यक्रम में, विच हैज एन ECCE क्वालिफाइड टीचर्स। आज देखिए क्या हो रहा है, बहुत जगह बीएड के लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन में बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। नो बीएड टीचर इज क्वालिफाइड टू टीच इन प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन सरकार ऐसा काम कर रही है, क्या सोच के कि वो ज्यादा क्वालिफाइड है? अरे क्या एक पीएचडी का आदमी लोहे का सामान बना सकता है, लकड़ी का सामान बना सकता है? नहीं। तो क्वालिफिकेशन केवल वो आपको एफिशिएंट नहीं बनाता है, उसके लिए अलग तरह की एजुकेशन की जरूरत होती है। दूसरी बात, और भी बहुत सारी बातें की गई कि कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तैयारी होगी। हाँ, हर 6 महीने पे प्राइमरी टीचर को एक ट्रेनिंग कराने, एक ऑरिएंटेशन कराने की जरूरत होती है। फिर इसने कहा कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, और ये पॉलिसी बड़ा साफ कहता है, न्यूमरेसी का मतलब है कि नंबर को इस तरीके से बढ़ाना कि तार्किक शक्ति का विकास हो, लॉजिकल एबिलिटी का डेवलपमेंट हो। और आप सबको पियाजे का स्टोरी पता हो, पियाजे ने लिखा कि उसका एक फ्रेंड एक दिन गार्डन में बैठा था और कंकर और पत्थर से खेल रहा था, 5-6 कंकर पत्थर थे उसके पास। उसने क्या देखा कि नंबर तो वह 6 ही हैं, लेकिन उसी 6 नंबर से वो कभी त्रिभुज बना लेता था, कभी चतुर्भुज बना लेता था, कभी वृत्त बना लेता था, यानी वो कोई भी स्वरूप दे सकता था। इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से दो द नंबर्स आर सेम, बट विद द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर यू कैन गिव अ डिफरेंट फॉर्म टू डिफरेंट थिंग। पियाजे ने लिखा है, अपनी एक किताब है उसकी, थिंकिंग गोज टू स्कूल, जरा कभी आपको मौका मिले तो आप पढ़ेंगे। तो एंड दैट्स व्हाई स्कूल हैज टू बी नाउ रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ थिंग। और अच्छा है जब एक संस्था में 25 लोग एक साथ काम करेंगे, सब एक दूसरे पर नजर भी रखेंगे, ऐसा नहीं कि हाजिरी लगा के कहीं चले जाएंगे, बहुत जरूरी है। और प्राइमरी एजुकेशन को तो मजबूत किया ही जाना चाहिए, और उसके लिए इसने कहा कर्टेलिंग ड्रॉप आउट्स। अब स्कूल एजुकेशन में इसने करिकुलम एंड पेडागॉजी की, जैसा मैंने कहा कि इसने क्या मॉडल दिया है, 5+3+3+4, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका। और इसके लिए बड़ा साफ कहता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखिए, मनुष्य का जो सीखना होता है वो अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए अनुभव जन्य ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानों में से एक माना गया है। और रिसर्च भी कहता है कि एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो है वो सबसे बढ़िया होता है। लेकिन दिक्कत क्या है, इस दुनिया में हर चीज का अनुभव तो आप कर ही नहीं सकते। मैं मरने के बाद क्या होता है, आपका इसको अनुभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मरने के बाद दोबारा आप जीवित नहीं होंगे और आप बता नहीं पाएंगे दुनिया को। इसलिए केवल आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, कि रिसर्च करके देख सकते हैं, यहां मरने के बाद आदमी के बाद सांसें चली जाती है, वो कोई काम का नहीं रहता। और इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन पे, स्कूल एजुकेशन पे मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज की बात की गई है, कि एक दो भाषा नहीं, एक कंट्री है जिसमें जितने लोग आते हैं उनको मदर टंग पढ़ना, आपको ताज्जुब होगा, 12वीं क्लास तक कंपलसरी है। और मैं बता दूं, जानबूझ के मैं नाम नहीं लूंगा, अंत में कोई प्रश्न पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि उसकी एजुकेशन सिस्टम दुनिया के 5 बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से एक है। लेकिन हम देते कहाँ हैं एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को, हमने अभी तक समझा नहीं है, हम सिर्फ कोट करते रहते हैं कि भारत विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु बन जाएगा, वगैरह वगैरह। अरे शिक्षा के महत्व को समझो तो। उसके बाद इन्होंने NCFSC की बात की है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। और आप सब जो कम से कम जो एजुकेशन के लोग हैं उनसे कि इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लीजिए, और NCFSC जब आएगा फिर हम लोगों से कंसल्ट किया जाएगा, आपसे कंसल्ट किया जाएगा। ऑफकोर्स NCERT ही इसको बनाएगा, और NCFSC 2021 आने वाला है, कमिटी बन गई है, काम शुरू हो गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। और उसके लिए नेशनल टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर में तैयार किया जाएगा।
मुझे बहुत बुरा लगता है जब रांची का कोई स्कूल, हजारीबाग का कोई स्कूल, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल लिखता है। अरे इसमें क्या गर्व की बात है? और मुझे कोई परहेज नहीं है आपको कहने के लिए, क्योंकि मैं दो डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम को भी जानता हूँ। आपका रांची का जो बोर्ड था पुराना, नया नहीं, जो कभी बिहार बोर्ड एजुकेशन में आता था, उसका बोर्ड का करिकुलम सीबीएसई के करिकुलम से कई गुना बेहतर था। और आपको बता दूं, आज से 10 साल और 15 साल पहले सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इंजीनियरिंग नहीं कर पाते थे और स्टेट बोर्ड के बच्चे ज्यादा आते थे, क्योंकि मशरूमिंग कोचिंग कल्चर इतना नहीं हुआ था। मैं खुद 10th में 15 विषयों का एग्जाम दिया, 2 मैथमेटिक्स के पेपर, 3 साइंस के पेपर, 3 सोशल साइंसेस के पेपर, 2 इंग्लिश के, 2 हिंदी के, 2 संस्कृत के, 2 इकोनॉमिक्स के। बताइए आज किस बोर्ड ऑफ एजुकेशन में इतने विषय 10वीं के बच्चे को पढ़ना होता है? और इसीलिए शायद इकोनॉमिक्स भी समझ लेता हूँ, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, मैथमेटिक्स भी, मैथमेटिक्स में तो खैर मेरा मास्टर ही है। और पढ़ते पढ़ते मैं दर्शन में पीएचडी कर लेता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब लिखा है कि जो नेक्स्ट टेक्स्ट बुक होगा वो लोकल कंटेंट और फ्लेवर के साथ होगा। इसलिए झारखंड अगर ट्राइबल होने के नाम पे ये अलग हुआ बिहार से, और अगर ये डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी चाहता है तो ट्राइबल नॉलेज को उपयुक्त जगह मिलनी ही चाहिए। और इसमें किनको लीड करना पड़ेगा? वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो उच्च पदों पे हैं, जो उच्च शिक्षा हासिल कर चुके हैं, उन वो जरा ठीक से एजुकेशन के बारे में सोचें और उसको बेहतर बनाएं। और इसके लिए इसने असेसमेंट सिस्टम को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए बात कहा है। क्यों केवल मेरा असेसमेंट, मैं क्या लिखता हूं 3 घंटे के दौरान, उसके आधार पर होगा? मेरा असेसमेंट, मैं कैसे बोलता हूं, मैं अपने विचार को कैसे प्रस्तुत करता हूँ, मैं विचार का की संकल्पना कैसे बनाता हूँ अपने मस्तिष्क में, या मैं लोगों के साथ किसी ग्रुप में कैसे टास्क करता हूँ, इसकी भी तो होनी चाहिए। इसलिए मल्टीपल असेसमेंट स्ट्रैटेजी की जगह की देने की बात की गई है। ये मैं शॉर्ट में बात करना चाहता था स्कूल एजुकेशन के बारे में मित्रों। अब मैं संक्षेप में, इससे पहले कि हायर एजुकेशन की बात करूं, मैं थोड़ा टीचर एजुकेशन की बात कर लेना चाहता हूं। और आप देखेंगे कि टीचर एजुकेशन की जो बात है वो 15th कॉन्सेप्ट कंटेंट के पे बात की गई है, और लगभग 8 से 10 पेज में बात की जा रही है कि क्या होगा टीचर एजुकेशन, ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन को अब क्या करना होगा, जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क आ रहा है उसके लिए आपको करना क्या होगा, क्या करेंगे कि वो सही होगा। तो टीचर एजुकेशन के लिए कहता है कि टीचर एजुकेशन इज अ वाइटल इन क्रिएटिंग ए पूल ऑफ स्कूल टीचर्स दैट विल शेप द नेक्स्ट जनरेशन। बात भी सच है, कोठारी कमीशन ने लिखा भी था कि द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री, डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बींग शेप्ड इन द इंडियन क्लासरूम्स। लेकिन कहां समझा हमारे लोगों ने जिसको इंप्लीमेंट किया, ना हमने, ना आपने, ना किसी ने। अगर आप कहते हैं कि भारत की तकदीर भारत के विद्यालय की कक्षा में समर्थी है, तो उस कक्षा को अच्छा क्यों नहीं बनाया गया? कक्षा अच्छा बनाने का मतलब मैं चार दीवारी को कलरफुल करना नहीं कह रहा हूं, उसमें जो लोग हैं, उसमें जो संस्कृति है। कभी समझने की हमने कोशिश की कि एक विद्यालय की संस्कृति नहीं, एक विद्यालय की कक्षा की संस्कृति क्या होती है, वो शिक्षक जो होता है वो कौन होता है और क्या होता है, वो छात्र जो आता है वो कौन है और क्या है। लोग कहते हैं, मैं किसी भी शिक्षक से पूछता हूं कि आप क्या पढ़ाते हैं, तो कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अरे वो ये क्यों नहीं समझता है कि वो नहीं पढ़ाता है जिस विषय को वो जानता है, वो पढ़ाता है जो वो होता है। यू टीच व्हाट यू आर, इट मींस यू टीच विद योर बीइंग, नॉट ओनली विद नोइंग। सो फॉर टीचिंग, बीइंग एंड नोइंग बोथ आर इंपॉर्टेंट। लेकिन पूरा का पूरा व्यवस्था नोइंग क्या है, इंफॉर्मेशन को ही समझता है।
और आपको पता है जस्टिस वर्मा कमीशन 2012 में आई थी और उसने क्या क्या बातें कही, आप सबको पता है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। इसलिए अब क्या होगा, अब 4 साल का बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, यानी वो इस कॉलेज जो है वो अब इंटीग्रेटेड कॉलेज होगा, यानी अब आपको सिर्फ बीएड और एमएड किए हुए लोगों को रख के काम नहीं चलेगा। हाँ, प्राथमिकता से उन्हीं को रखना है क्योंकि पेडागॉजी वही पढ़ाएंगे, कोई और नहीं पढ़ाएगा, लेकिन आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए एक मैथमेटिक्स टीचर चाहिए। एक क्यों चाहिए, 4 चाहिए, क्योंकि 100 बच्चे अगर आप लेते हैं तो एक साथ आपके कॉलेज में 400 बच्चे होंगे चारों ईयर मिला के, क्योंकि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्सेस होगा, और दूसरे साल में वो 400-500 हो जाएगा, तीसरे साल में 600 हो जाएगा, और 4 साल के बाद आप जरा परमिटेशन कमीशन निकालिए, 1600 विद्यार्थी आपके पास होंगे। नाउ इमेजिन हाउ मच मैन पावर इज नीडेड फॉर दैट, हाउ मच इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड फॉर दैट। ओके, दिस इज व्हाट इन शॉर्ट आई वांटेड टू से। इट ऑल्सो सेज वेरी क्लियरली दैट इन ऑर्डर टू इंप्रूव एंड रीच द लेवल्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी required to restore the prestige of teaching profession, उसके लिए एक regulatory system बनाया जाएगा, and that will be empowered to take a stringent action against our standard and dysfunctional teacher education institutions. आज भारत में 90% college of education dysfunctional है, principal को छोटी छोटी बात management से पूछना पड़ता है। हाँ, अगर qualified management है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कौन लेगा फाइनल डिसीजन। ये कह रहा है अब ऐसा होने जा रहा है, और एनसीटी अब आपको रेगुलेट नहीं करेगी, पूरे भारत में एक ही होगा HECI, बात करूंगा मैं उसकी। अब वो सिर्फ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को करेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 1993 के बाद जब एनसीटी ने काम करना शुरू किया, भारत में टीचर एजुकेशन की एक्सेस तो बढ़ी लेकिन क्वालिटी बर्बाद हो। So as teacher education requires multidisciplinary inputs and education is highly quality content as well as pedagogy. इसलिए content और pedagogy पे दोनों equal emphasis होगी। मैं कल बात करते हुए अलान university की बात कर रहा था, कम से कम वही व्यक्ति pedagogy पढ़ाता है उस university में जो 20 साल mathematics पढ़ा चुका है, वही mathematics pedagogy पढ़ाता है। और हम जैसे लोगों को देखिए, हमने एक साल भी हायर एजुकेशन में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया है, पढ़ा सकता हूँ दूसरी बात है, लेकिन पढ़ाया तो नहीं ना, और हम फर्स्ट डे से ही मैथमेटिक्स पेडागोजी पढ़ा रहे हैं। इसलिए अब कंटेंट और पेडागोजी दोनों को इक्वल दिया जाएगा। जब कंटेंट पढ़ा रहे होंगे तो उसका पेडागोजिकल इंप्लीकेशन देखना होगा, और जब पेडागोजी की आप बात कर रहे होंगे तो कंटेंट की साउंड अंडरस्टैंडिंग पे भी इंफेसिस करना होगा, यानी कंटेंट को पेडागोजी इनरिच करेगा और पेडागोजी को कंटेंट इनरिच करेगा, यानी दोनों में क्लोज रिलेशनशिप होगा। अब इस मॉडल के बारे में आपको सोचना होगा, हम सबको सोचना होगा जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं। और इसने कहा है कि भारत के जितने भी कॉलेज ऑफ एजुकेशन होंगे वो 4 साल का ही बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, और 2030 के बाद कोई भी कॉलेज ऑफ एजुकेशन 1 साल 2 साल और 4 साल का नहीं होगा। अब कल कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि क्या सर जो 1 साल के प्रोडक्ट हैं जैसे हम जैसे लोग, और जो 2 साल के प्रोडक्ट हैं जो अभी कुछ छात्र छात्राएं इससे जुड़ी हुई हैं, इनका भविष्य क्या होगा, इनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सुन तो आप सब के लिए, आपकी नौकरी सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि कोई भी, एक तो ये कानून नहीं है अभी, और कानून ये बन भी जाता है तो ये कानून 2020 के बाद लागू होगा। 2020 से पहले जिस कानून से हम लोग बने हैं, हम इक्वली क्वालिफाइड रहेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि दुनिया में कानून प्रोस्पेक्टिवली लागू होता है, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं लागू होता है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग जो 1 साल के हैं, अब थोड़ा थोड़ा पेडागोजी के साथ साथ कंटेंट को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक कंटेंट का टीचर नहीं आता है आपको कंटेंट भी पढ़ाना पड़ेगा। अब बात सच में, हालांकि इसमें एक सवाल आएगा कि अगर हम क्वालिफाइड ही नहीं है तो, क्योंकि आपको पता है कि बीएससी में कौन पढ़ा सकता है बीएससी मैथमेटिक्स,
जो मैथमेटिक्स में नेट है और मैथमेटिक्स में पीएचडी है। तो आप ये बात कह के पल्ला झाड़ सकते हैं कि देखिए भाई मैं तो नेट और पीएचडी एजुकेशन में हूं, इसलिए मैं सिर्फ पेडागॉजी पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगा। लेकिन कल्पना करिए कि मैथमेटिक्स का टीचर ही नहीं मिल रहा है और आपने भर्ती कर लिया और आप एमएससी मैथमेटिक्स हैं और पेडागॉजी और मैथमेटिक्स के लिए आपकी अपॉइंटमेंट होगी, तो मैनेजमेंट या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डीन या वाइस चांसलर आपको कहेगा कि एमएससी मैथ्स तो है, तब तक पढ़ाइए जब तक दूसरा नहीं आता। और नहीं अगर आप काबिल हैं तो मतलब अब आपकी काबिलियत को एक चुनौती इस कमीशन एनपीई 2020 ने दिया है, ठीक है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। पहली बात है बियॉन्ड द टीचिंग ऑफ कटिंग एज पेडागॉजी द टीचर एजुकेशन इंक्लूड ग्राउंडिंग इन सोशियोलॉजी हिस्ट्री साइंस साइकोलॉजी, यानी अब इसके भी डिपार्टमेंट होंगे कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन में, इसके भी टीचर्स होंगे और अलग अलग यानी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अंदर ये सारे डिपार्टमेंट होंगे, तभी तो मल्टीडिसिप्लिनरी बनेगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का डिपार्टमेंट होगा, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का डिपार्टमेंट होगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और इसने कहा कि द एचईआई इज ऑफरिंग द 4 years इंटीग्रेटेड बीएड मे ऑल्सो रन 2 year बीएड प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि भाई जो ग्रेजुएशन करके आएगा वो 2 साल का बीएड करने की उसको स्वतंत्रता होगी, लेकिन प्राइमरली ये कह रहा है कि टीचर एजुकेशन को आपको पता ही है पिछली गवर्नमेंट ने पिछले बजट में करोड़ों रुपए का प्रोविजन किया था 4 years बीएड को बीएससी बीएड को इंप्लीमेंट करने के लिए। आपको सच्ची बात बताऊं पैसे की कमी नहीं थी, कमी क्या थी, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था सरकार के पास ना मैन पावर था। आज डिफरेंट विश्वविद्यालय में हम लोग सिलेक्शन पे जाते हैं, डिग्रीधारी बहुत सारे लोग हैं, एलिजिबल बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे। दोनों अंतर होता है, एलिजिबिलिटी तो डिग्री से आती है, क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं देता है मित्रों, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू क्वालिफाई योरसेल्फ, ठीक है। तो ये कहता है कि 2 साल का बीएड भी की छूट होगी क्योंकि उसने ग्रेजुएशन पहले कर लिया है, तो पहले ग्रेजुएशन कर लिया है तो क्यों आपका 4 साल पढ़ेगा, वो तो 2 साल का पढ़ेगा। लेकिन अब उसकी जो बीएड होगी वो किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होगी, जो बहुत अच्छी बात है। मैं अब देखिए अब जरा सा एक मल्टीडिसिप्लिनरी और स्पेशलिटी दोनों को क्लोज ला रहा है, यानी अब जो 4 साल अगर मान लीजिए मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स करके आया हूं तो मेरी बीएड मैथमेटिक्स पेडागॉजी में होगी, फिजिक्स करके आया तो फिजिक्स में होगी, ठीक है। और उसके लिए जो नेशनल रिसोर्सेस है स्विम का प्लेटफॉर्म दीक्षा का प्लेटफॉर्म उसका भी उपयोग किया जाएगा। चलिए इसके बारे में और मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा, बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम को कम करते हुए सीधे सीधे हम चलते हैं हायर एजुकेशन पे कि हायर एजुकेशन के बारे में ये डॉक्यूमेंट क्या क्या कहता है, बहुत जरूरी है क्योंकि तभी तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आएगी। तो मैं अब कुछ सवाल भी खड़े करूंगा और कुछ जवाब भी आपको दूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप हायर एजुकेशन की दुनिया में जाएंगे तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये डॉक्यूमेंट कहता है पहली ही लाइन जो है इसकी वो बहुत कमाल की है। क्या है इसने कहा, अगर आप गौर से इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे और पढ़ना चाहिए आपको, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि हर व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट का एक एक लाइन पढ़ेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा और उसके बाद वो उस पर चिंतन करेगा और तब करेगा। ये कहता है क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, यानी हायर एजुकेशन प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग ह्यूमन एज वेल एज सोसाइटल वेल बीइंग। तो अच्छी बात है कि इंपॉर्टेंस दे रहा है। दूसरा ये कहता है कि क्या करना चाहिए इसको, तो इसने कहा कि इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग और कंसोलिडेशन का काम करेगा। तो मैं आज ये अगले 5 मिनट तक बस इसी के बारे में बात करना चाहूंगा और किसी के बारे में नहीं बात करना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग और क्योंकि वो बहुत सारे प्रश्न को भी खड़े करता है और बहुत सारे मैं आपको बता दूं कि वो ये भी एप्रिहेंशन को भी जन्म देता है कि कैसे किया जाएगा। आप कहते तो हैं कि अब कर लेंगे लेकिन किया कैसे जाएगा, बड़ा चैलेंजिंग काम है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी हैव द पॉलिटिकल विल टू डू दिस। तो मोटे मोटे तौर पे हायर एजुकेशन कहता है कि टू एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी क्या है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन 2 लेवल पे है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे और करिकुलर लेवल पे, यानी कॉलेज
और विश्वविद्यालय में बड़ा गैप कर क्रिएट कर दिया गया है, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, इन्फिनिटी और सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, जबकि ऐसा है नहीं। दूसरा इसने कहा ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इनटू लार्ज मल्टीपल मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, और कहा गया कि हर कॉलेज को तीन ही तरह के इंस्टीट्यूशन होंगे, रिसर्च यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस कॉलेजेस। अब सवाल लेकिन ये उठता है कि हाउ टू एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन, हाउ टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज। क्या इसका मतलब ये होने जा रहा है विल ऑल आईआईटीज एंड आईएम्स विल आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज? अगर मुझसे आप पूछेंगे इसका जवाब, मैं कहूंगा यस, आज से कर देना चाहिए उसको। हालांकि भारत में कुछ आईआईटी सोशल साइंसेज शुरू किए हैं, तो मेडिकल भी क्यों नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट भी क्यों नहीं कर रहा है? और अब क्या होगा, आईआईटी भी मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाएगा अगर इस पॉलिसी को इन टोटो मान लिया जाए और कानून बना दिया जाए, आईएम्स भी हो जाएगा, मेडिकल कॉलेजेस भी हो जाएगा। बहुत जरूरी है, आपको पता है एमबीबीएस में एमडी के लेवल पे ऑप्थोलॉजी, नेफ्रोलॉजी बहुत सारे हैं, इन सब में स्पेशलाइजेशन होती है। एक कम्युनिटी मेडिसिन में भी स्पेशलाइजेशन होती है, जिसमें काम ही, जिसमें एमडी की डिग्री दी जाती है, जिसका काम होता है कम्युनिटी को अवेयर करना हाउ टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द डिजीज। और कहा भी गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, और इसी भारत में उसकी शिक्षा के लिए एमडी लेवल की एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। तो क्यों ना इन इंस्टीट्यूशन को कर दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन है, जो इश्यू है, जो अप्रिहेंशन है, डू यू हैव एडिक्वेट रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस? इफ यस यू डू इट, इफ नॉट देन फर्स्ट यू क्रिएट एंड कंस्ट्रक्ट एंड देन इंप्लीमेंट। इसने मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी में तक्षशिला, नालंदा, बल्लभी, विक्रमशिला की बात की है। ये तमाम यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी थे, इसलिए हमको फिर से मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाना चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछ जानना चाहूँगा, डू यू हैव एनफ नॉलेज अबाउट एंशियंट यूनिवर्सिटीज? मैं तो नहीं जानता कि भारत में किसी ने नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर इतनी गहराई से काम किया है। मैं तो कहता हूं कि आज हम नालंदा विश्वविद्यालय को जानते भी नहीं अगर वेनसांग ने अपनी मेमोरी में इसका जिक्र ना किया होता। चलिए, ये एक बात है। दूसरी बात, क्यों बार बार आप एंशियंट मॉडल को ही अपना मॉडल बनाते? भाई वर्तमान में भी तो कुछ यूनिवर्सिटी ने ऐसा मॉडल किया है, तब आप कहेंगे चूंकि हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वर्तमान के जो यूनिवर्सिटीज हैं कोई नया वंडर नहीं किया है। कुछ हद तक सेम हो सकता है, लेकिन बीएचयू के पास है स्कूल एजुकेशन से लेके और यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक, एएमयू के पास है स्कूल एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक, इवन आपको ताज्जुब होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास, दिल्ली के यूनिवर्सिटी के पास भी एक स्कूल है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल स्कूल, फुल फ्लेज स्कूल नहीं है। मैं तो कल्पना कर रहा हूं कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कह दिया जाए कि आप फाउंडेशनल का भी होगा, सेकेंडरी का भी होगा, आपके पास फाउंडेशनल टू सेकेंडरी स्कूल होगा, आंगनबाड़ी के भी लोग आएंगे उसी कैंपस, राइट? और उसमें अंडर ग्रेजुएट भी होगा, ग्रेजुएट भी होगा और पीएचडी भी होगा। और ये कमीशन, ये पॉलिसी तो कहता ही है कि अब हर यूनिवर्सिटी को अंडर ग्रेजुएट क्लासेस पढ़ाने होंगे। क्यों केवल पीजी पढ़ाओगे तुम? तुम कहते हो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो पढ़ाओ, क्वालिटी बनाओ। और उससे भी अच्छा, तुम कहो, तुम ब्लेम करते थे कि स्कूल नहीं दे रहा है क्वालिटी, तो स्कूल रखो अपने कैंपस में। अब कल को क्या होगा, तुम कहोगे समाज में क्वालिटी नहीं है, तो समाज में क्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब तुम में और हम में भी क्वालिटी नहीं है। यानी हमेशा अपनी असफलता और विफलता के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना। और गौर से पढ़िएगा आप, 10.3 में इसने कहा भी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा रिसर्च यूनिवर्सिटी केवल बन जाएगा और टीचिंग यूनिवर्सिटी बन जाएगा, अरे ऐसा नहीं कहा है ये। इसने ब्रॉड कैटेगरी तीन बनाया है, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, जो कॉलेज को अधिकार होगा डिग्री देने का, नहीं तो वो लार्जर पूल का हिस्सा होगा। उसमें बड़ा साफ लिखा है कि दो इट वुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू दैट and it need not be restricted to that and it would generally be smaller than a typical university.
कॉलेज यूनिवर्सिटी से छोटा होगा लेकिन उसको भी अधिकार होगा एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाने का, ठीक। और जो मैं स्कूल एजुकेशन की बात आपको कह रहा था, आपको ताज्जुब होगा लेकिन इसके में भी एक सवाल आ रहा है, विल ऑल यूनिवर्सिटी बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस ऑल द थ्री प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट एंड पीएचडी? यस, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Why to लेकिन मेरा सवाल है, why to classify all the higher education institution into research university, teaching university and autonomous university? अब कौन university है university? क्योंकि आप ही का document कह रहा है, policy document कह रहा है कि जो research intensive university कौन होगा? इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पढ़ाई नहीं होगी, नहीं। जो university equal emphasis teaching और research दोनों पे देगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो विश्वविद्यालय समान जोर देंगे, इक्वल इंफेसिस टीचिंग और रिसर्च दोनों पे देंगे, वो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी कहलाएगा। दोज दैट प्लेस ग्रेटर इंफेसिस ऑन टीचिंग बट स्टिल कंडक्ट सिग्निफिकेंट रिसर्च, उसको टीचिंग यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। और जो और एक तरह के कॉलेजेस होंगे, ये आपको पता ही पड़े, तो इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि स्टेज वाइज मैकेनिज्म किया जाएगा, क्यों किया जाएगा स्टेज वाइज मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको 10.6 पे, और बड़ा साफ ये कहता है टू सपोर्ट टू द स्कूल एजुकेशन। मैं कह रहा हूँ व्हाई टू सपोर्ट टू द स्कूल एजुकेशन, व्हाई नॉट द स्कूल एजुकेशन शुड बिकम एटलीस्ट वन स्कूल फाउंडेशनल से लेकर सेकेंडरी तक द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इटसेल्फ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा कॉलेज ने स्कूल को ब्लेम किया है, स्कूल ने प्राइमरी एजुकेशन को ब्लेम किया है, और प्राइमरी एजुकेशन के बुरा नहीं मानना चाहिए, हम सब जो लोग प्राइमरी एजुकेशन जुड़े हैं हमेशा हम समाज को दोष देते हैं। और इसीलिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला ने मैंने बीएड एमएड इंटीग्रेटेड थैंक्स टू माय वाइस चांसलर हु गेव मी दिस आइडिया एंड इनसाइट कि क्यों आप सब स्टैंडर्ड बीएड ले रहे हो एमएड में। आप कहोगे कि बीएड के बच्चे अच्छे हैं इसलिए एमएड खराब है, तो आप बीएड को पढ़ा? तो मैंने बीएड भी शुरू किया था और बीएड एमएड इंटीग्रेटेड का भी प्रोग्राम किया था जो कि पूरे भारत में एनसीटी ने उसको माना भी था, और आई वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड बीएड एमएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एट महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आप कहते हैं रेगुलेशन नहीं होगा, एनसीटी कहता है इसको शुरू करो, हमने शुरू किया, इसी चिट्ठी लिखता था कि अभी इसको नहीं शुरू करिए, क्यों, जबकि इसी को पता था ये उसके परव्यू में नहीं है। तो इस रेगुलेशन को, ये जो प्रॉब्लम आएगी इसको कौन दूर करेगा और कैसे दूर करेगा? क्यों, वो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आपने कहा कि हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर आपने कहा कि एनएचईआरसी होगी फर्स्ट वर्टिकल जिसको नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल कहेंगे, फिर आपने कहा कि ये जो एनएचईआरसी होगी वो लाइट बट टाइट काइंड ऑफ रेगुलेशन करेगी, फिर आपने कहा कि नैक भी होगा, अभी उसका नाम एनएएसी है जो इसके लाइट में उसका नाम हो जाएगा एनएसी, वो असेसमेंट नहीं करेगा अब, सिर्फ एक्रेडिटेशन करेगा। अभी क्या करता है वो, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, लेकिन अब उसका नाम हो जाएगा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, असेसमेंट वो नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है क्या नाम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ताज्जुब हुआ, मैं उसका गवाह हूँ। 96, 97, 98 की बात कर रहा हूँ, 2002 की बात कर रहा हूँ कि उस समय 2002 में कि जो बहुत अच्छा कॉलेजेस था उसको बी ग्रेड मिल गया और जो कम कॉलेज था उसको ए हो गया, और आती तो तब हो गई जब कुछ यूनिवर्सिटी को नैक ने ए ग्रेड दिया और इसी ने कहा कि ये सारे यूनिवर्सिटी अंडर परफॉर्मिंग है। अब आप सोचिए, नैक यूजीसी की ही ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करता है, यूजीसी ने नैक को जन्म दिया कि उसकी एक बॉडी कह रही है कि ए ग्रेड का यूनिवर्सिटी है और यूजीसी कह रहा है कि अंडर परफॉर्मिंग है, ये कैसे हो सकता है? और उन लोगों ने जब विजिट किया था यूजीसी के बिहाफ पे तो मैंने सवाल खड़े किए थे उनके सामने, हाउ कैन इट बी, इट मींस योर एंटायर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन इज फॉल्टी एंड फंडामेंटली रॉन्ग। इफ आई बिलोंग टू ए ग्रेड हाउ कैन यू कॉल मी अंडर परफॉर्मिंग? फिर ये कहता है कि हम एनएसी के साथ एचईजीसी को बनाएंगे थर्ड वर्टिकल रूप में, HECI का थर्ड वर्टिकल रूप होगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल व्हिच विल कैरी आउट फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन, यानी फंडिंग का काम आप अलग करेगा। तो एक जो आशंका लोगों के दिमाग में है
कि जब आप HECI बना देंगे, NHERC बना देंगे, जब आप NAC बना देंगे, HEGC बना देंगे, GEC बना देंगे, NHEFQF बना देंगे, NSQF बना देंगे, तो क्या ये सारे आपस में टकराएंगे? नहीं, ये आशंका जायज है, क्योंकि ऐसा ही भारत में अनुभव है। लेकिन मुझे लगता है कि नए भारत में, नए भारत के लोग, अगर हम कहते हैं कि भारत नया हो रहा है डेमोक्रेटिकली कम से कम, अदरवाइज कल्चरली तो हम वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, लेकिन अगर डेमोक्रेटिकली अगर हम मानते हैं 1947 को, हालांकि ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे टेक्स्ट बताते हैं कि भारत में प्रजातंत्र था, बट एनीवे आपको कभी अक्षरधाम में जाइए तो वहाँ पे एक झांकी है, आप देखिएगा उसको, जहाँ पे गायत्री मंत्र को लेके एडिंगटन ऐसा आदमी ने लिखा है, नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट ने, कि गायत्री मंत्र इज द वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर मंत्र ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें किसी ईश्वर का आह्वान नहीं है, जिसमें मनुष्य अपनी बुद्धि का आह्वान करता है कि हे बुद्धि, तुम हमेशा मुझे सद्बुद्धि देना ताकि मैं सद ज्ञान और सद रास्ते पे चलूं। एनीवे कभी मौका मिले तो आप जाइएगा, देखिएगा उस झांकी को। तो जब आप नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना देंगे, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना देंगे, तो टकराहट नहीं होगी। मेरा मानना है कि अगर नई सोच के साथ हम इतनी एजेंसी बना भी लेंगे और कई वर्टिकल्स तैयार भी कर लेंगे, 4-5 वर्टिकल्स, टकराहट नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तीनों में कन्फ्रंटेशन जब भी होता है हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, नहीं, जब भी इन दोनों में होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी किसके लाइट में करता है? सुप्रीम तो विधायिका है ही, वो जो कानून बनाता है सुप्रीम कोर्ट उसको लागू करने के लिए कहता है, फिर कार्यपालिका करता है। तो अगर तीनों को अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से समझा दिया जाए, यानी इन तमाम संस्थाओं को समझा दिया जाए, तो हायर एजुकेशन ठीक होगा। लेकिन इसके साथ एक बात और कही है इसने कि द प्रोफेशनल काउंसिल्स सच एज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको ICAR के नाम से जानते हैं, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको VCI के नाम से जानते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको NCT के नाम से जानते हैं, आर्किटेक्चर के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है हमारे पास, या वोकेशनल एजुकेशन के लिए हमारे पास नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, इन सब को, और ये सब किसके रूप में काम करेंगे? अब रेगुलेटरी एजेंसी के रूप में नहीं काम करेंगे, ये सब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज के रूप में काम करेंगे। इसलिए इसमें भी जो नौकरी करते हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत है, उनकी नौकरी सुरक्षित है, लेकिन अब आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाएगी, ठीक है? क्यों? और इसके लिए इसने बड़ा साफ कहा है, द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स फॉर द रेगुलेशन NHERC, NAC, HEGC, GEC, HCI will be based on, बहुत अच्छी बात कही है, देखिए कितना हो पाता है, ट्रांसपेरेंट पब्लिक डिस्क्लोजर एंड यूज टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली टू रिड्यूस ह्यूमन इंटरफेस टू एंश्योर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क। भाई ऐसा कैसे हुआ कि कॉलेज ऑफ एजुकेशन सारे ए ग्रेड में आने लग गए नेक के अंदर जब उसका इंस्पेक्शन हुआ? यानी मनुष्य जब जाता है, मतलब इस डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट से तो ऐसा लग रहा है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है, इसलिए कहा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करो उसको जानने के लिए और देखने के लिए। भाई कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है तो कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ऑनलाइन देख लीजिए, टीचर कितने हैं, करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या, विजिट क्यों करेंगे आप? अब 5 दिनों तक क्यों दामाद के रूप में रहेंगे क्योंकि हम आपका इंस्पेक्शन करने आया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो इंस्पेक्शन जैसा शब्द है ये खत्म हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं एंड ओवर टू द ऑर्गेनाइजर, आप सबका धैर्यपूर्वक सुनने के लिए और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं की, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपने किसी बिंदु को नहीं छुआ होगा, हर बिंदुओं पर आपने बहुत विश्लेषित तरीके से उसके गुण और अवगुण को भी ध्यान में रखते हुए तमाम चीजों को सबके सामने रखा। मुझे बहुत खुशी है, हमारे इस कार्यक्रम के सारे समितियों के तरफ से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देखिए कि आज इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में कितनी चीजों के चीजों को हम लोगों ने समझा बारीकियों से, और जैसा कि आपने कहा कि इसको पढ़ने की जरूरत है, तो तमाम प्रतिभागियों को भी पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ने की आवश्यकता है। जितना पढ़िएगा उतना गुनिएगा, और जितना गुनिएगा उतना ज्ञान वर्धन होगा। ये मंच जो है, इस मंच, ये तो छोटा सा मंच है, लेकिन इस मंच ने जो हमको दिया है, हमारे प्रतिभागियों को दिया है, वो काफी काफी निर्धारित है। मैं चूंकि समय बहुत ही ज्यादा हो चुका है और तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कुछ प्रतिभागियों के क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं अपने रजिस्टर में। मैं चाहता हूँ कि बारी बार से एक एक क्वेश्चन मैं आदरणीय अपने कीनोट स्पीकर से पूछना चाहूंगा और उसका जो जवाब है वो अपने स्तर से देंगे। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ जिन्होंने पूछा है, मनोज कुमार तमिलनाडु से। वो कहते हैं कि ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो नए अवसरों को कैसे बढ़ाए, नए अवसरों को कैसे बढ़ाए। इस प्रश्न का जवाब मनोज कुमार जी तमिलनाडु से। Okay, for Manoj Kumarji, thank you so much for asking this question. And my answer will be, if you look at the structure of the education itself, instead of 10 plus 2, it talks about 5 plus 3 plus 3 plus 4. And see the opportunity at the foundational level, right? Hope you must have seen the document and see the foundational level. At the foundational level, it very clearly says that what is going to happen is that Anganwadi and preschooling will be combined together. Don't you think now a huge campus is required, huge number of people are required, and huge infrastructure is required, and a new curriculum framework is required, which NCERT will be developing. So I find at the school level only, a huge kind of infrastructure involvement, huge kind of manpower will be required, and huge kind of engagement is required. Yes, what is needed is the money. And as policy says, though I'm critic of that, that the money will be not a problem, because 6.4% of GDP will be spent on this. I have always made a question that why 6.4% only? Why don't you say that to achieve this goal, if you require 10% of GDP, you are going to use it. Why we are still obsessed and stuck to 6% of GDP? I mean, in 1968, we demanded 6% of GDP, 1986, 1992, and still in 2020, we are demanding 6%. I don't understand why India doesn't do a proper kind of research to understand how much GDP is required. But that's a separate issue. As far as the new opportunities is concerned, I'm seeing that humongous opportunities are there, tremendous opportunity will be there. We need to make ourselves qualified and equipped enough to grab this opportunity and bringing it into our favor, converting ultimately into the favor of the nation. Thank you. Shri Ramanujan, ye hai Orissa se, unhone question kiya hai कि 21वीं सदी के हिसाब से क्या ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी जरूरतों को पूरा करती है। रामानुजम, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। इफ यू आस्क मी एज अ पॉलिसी, यस, एज अ पॉलिसी, यस, बिकॉज़ इफ यू, व्हेन यू रीड दिस पॉलिसी वेरी केयरफुली, इट सेज दैट आई मीन एज फार एज द टीचिंग लर्निंग इज कंसर्न्ड, ऑल द नेसेसरी skills that are needed or which have been accepted according to 21st century understanding, this policy very clearly states that we are going to accept, utilize, and implement it. Now, but the question is, now 21st century is concerned, we have lived only 20 years of life of 21st century. Still 80 years are ahead of us. Many of us will not survive to understand all the needs of 21st century. So it will not be right to say that the NP 2020, you know, fulfills the all the needs and aspirations of 21st century. Why? Because 80 years still
left to be lived on. So, I mean, that kind of claim I'll not, but as far as the teaching learning is concerned, until date, the kind of understanding that is there in the minds of the educationist, I think that as a policy, this document says yes, but it has to be seen how it is implemented and how that implementation is capable or implementable strategies is capable to achieve the desirable goals or at the as a policy, NP 2020. Thank you so much. आत्मक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इस नीति में या किसी प्रकार का कोई पक्षपात भी किया गया है और यदि किया गया है तो क्या वो सही है? देखिए बायसनेस की बहुत चर्चा होती है. ये सज्जन कहाँ हैं? साउथ इंडिया से हैं या नॉर्थ इंडिया से हैं? हेलो जी, ये महाराष्ट्र से है. महाराष्ट्र से. सो आई थिंक ये हिंदी समझ सकते हैं. देखिए जहाँ तक पक्षपात की बात है, आप सबको पता है कि एजुकेशन एज ए डिस्कोर्स, एजुकेशन एज एन अपरेटस, एजुकेशन एज ए सिस्टम अपने आप में सोशियो पॉलिटिकल बायस्ड फेनोमेना है. मैं आपको साफ साफ बताता हूं, अगर यही डॉक्यूमेंट एक कम्युनिस्ट कंट्री में बना होता तो कम्युनिज्म एज ए पॉलिसी आइडियोलॉजी को नंबर वन पे रखा जाता. चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में बना, इसीलिए आपसे सलाह मांगे गए, आपसे सजेशंस मांगे गए, आपने 2.5 लाख सजेशंस दिए, 2.25 लाख करीब सजेशंस दिए आपने, इतने लोगों को इन्वॉल्व किया गया. पता है आपको, अगर ये ऑटोक्रेटिक मॉडल होता जैसा कि दुनिया के कुछ कंट्री में है, साउथ कोरिया है, चिली है, बहुत सारे कंट्री है, तो वहां आपसे कुछ नहीं पूछा जाता. तो अगर आप एज ए डिस्कोर्स मुझसे पूछेंगे तो हाँ, ये बायस्ड है डॉक्यूमेंट. अब आप पूछेंगे बायस्ड डॉक्यूमेंट होना सही है या गलत है, तो मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन का जो नेचर है वो सही है, वो होगा 100% होगा, वरना पॉल फ्रेरे से आदमी को अपने ही कंट्री से निष्कासित नहीं कर दिया गया होता, जो उसने किताब लिखी पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड. और आपको पता है कि पॉल फ्रेरे जो थे वो खुद एक कम्युनिस्ट थे, और अपनी किताब के पहले ही चैप्टर में लिखता है कि मनुष्य को ना तो लेफ्टिस्ट होना चाहिए ना राइटिस्ट होना चाहिए. वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर भी थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपकी थिंकिंग को संकीर्ण करता है. लेकिन सवाल है कि अगर ये सोशियो पॉलिटिकल फेनोमेना है, एक सामाजिक राजनीतिक घटना है, तो जिस तरह की राजनीतिक वर्चस्व होगा, जिस तरह की सामाजिक वर्चस्व होगा, वही तो रिफ्लेक्ट होगा. अभी कुछ लोगों ने पूछा था क्या सबकी आकांक्षाओं को शामिल कर लिया गया. अरे भाई, 65 पेज में भारत की 135 करोड़ की आबादी की आकांक्षाओं को कैसे आप शामिल कर लेंगे? उसमें भी शिक्षा के विषय से संबंधित चीजों को सवाल ही नहीं उठता है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे लार्जर डिस्कोर्स में, तो वो बायस्ड फेनोमेना है. लेकिन मुझे सतही तौर पे कोई बायसनेस नहीं दिख रही है. अगर वो कह रहा है, जैसे जो धूर विरोधी हैं इस सरकार के, या क्योंकि हालांकि पॉलिसी के बनाने वाले के कस्तूरी रंगन साइंटिस्ट हैं, ज्यादातर लोग होंगे उसमें कुछ आइडियोलॉजी के लोग. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस सरकार ने बनाए हैं तो अपने आइडियोलॉजी के लोग जरूर रखे होंगे. लेकिन अब आप जरा गौर से देखिए कि उस धूर विरोधी लोगों से भी मेरी बातें, उनको भी मैं सुनना पसंद करता हूं, उनको पढ़ता हूं, उन्होंने भी कहा कि अब आपका इशारा शायद सीधे सीधे होगा, क्या भगवाकरण की बात कही गई है? इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी भगवाकरण की बात नहीं कही गई. लेकिन ये डॉक्यूमेंट जब कहता है कि भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शिक्षा तंत्र काम करेगा, तो गलत क्या कहता है? अगर मेरे पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण मेरे सामाजिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही तो होती है, तो अगर उस संस्कृति की बात की जा रही है तो क्या गलत कह रहा है? अगर मैं शून्य के योगदान पे घमंड करता हूं, गर्व करता हूं, तो कोई गलत नहीं है. अगर मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी हमारे भारत में था प्राचीन सिस्टम में, और वैशाली डेमोक्रेटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, तो उसमें गलत ही क्या है? मुझे अगर अपने ऐतिहासिक अचीवमेंट पे गर्व होता है तो मैं ऐसा क्यों ना कहूं? अगर मेरी भाषा मुझसे कुछ आतंकियों ने, जिन्होंने जबरन हम पे अधिकार किया, हम पे आक्रमण किया, अगर हमसे छीन लिया, और इस बात की हम आज हम चर्चा करते हैं, तो गलत क्या करते हैं? क्या आपको गर्व नहीं है मराठी होने के नाते? आप कहते नहीं कि मराठी एक क्लासिक सब लैंग्वेज है?
तो अगर कोई हिंदी कहता है, संस्कृत कहता है, तमिल कहता है, या तेलुगु कहता है, या मलयालम कहता है, तो गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। इसीलिए जिस तरह की बायसनेस की आशंका थी लोगों के मन में, मुझे नहीं लगता कि यह बायस्ड है। और फिर ना बायस्ड होना भी अपने आप में बायस्ड है। मैं आपको बता दूं, जो कहता है कि ईश्वर है तो वो ईश्वर के प्रति बायस्ड है, और जो कहता है ईश्वर नहीं है वो भी बायस्ड है। भाई ईश्वर है वो कम से कम कहता तो है ईश्वर है, तुम कहते हो ईश्वर है ही नहीं, तो तुम तो सबसे बड़े बायस्ड हो। उसमें आप मुझे भी शामिल कर सकते हैं। अगला सवाल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन यूट्यूब से आया है सर, मिस्टर राहुल पॉल है, उनका ये कहना है कि इन सीबीएस द स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स बट इट हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड स्टिल, देन इज इट पॉसिबल फॉर एडमिन मैनेजमेंट implementation of CBCS is not a problem. For that, you need to be visionary. And my personal experience with three different central universities in India, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, Mahatma Gandhi International University, Wardha, the first international university under the Ministry of HRD in India for Hindi language. And now, Baba Sahab Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. Implementation of CBCS is not a problem at all. Number one, because my experience is like that. Number two, now this is going to be more easier to be implemented in any given college system or university system. Why? Because now technology is going to make an intervention into this. So choice-based credit system, either at the college level and university level and even school level, I don't think it is going to be a problem at all. It is, I don't think. For that, you need to make yourself visionary. I would like to share with you my personal experience. When I was in Wardha, UGC asked our university to organize one day seminar in which all the vice chancellors, education secretary, directors, and head of the institutions will participate. And 8 states participated in that. And 8 states, CBCC was to be implemented in all the 8 states. And I had chance to coordinate that program. I'm thankful to my vice chancellor who gave me this opportunity. And we organized this in Mumbai. And we had very healthy discussion and I shared experiences. And the majority of the states implemented that. So I don't think, as far as the implementation of this CBCS concept is concerned, it's a problematic, not at all. It's not problematic. For that, you need a larger infrastructure in terms of human capital. You need to have a larger technological access. That's it. Thank you so much. एक अंतिम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सर आपके लखनऊ से ही है। ये क्वेश्चन ये आया है कि डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रकार से जोर देती है? डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रकार से जोर देती है? थैंक यू सो मच द जेंटलमैन फ्रॉम द लखनऊ। आई एम स्टिल स्पीकिंग फ्रॉम लखनऊ, यू नो। So that way, I'm very happy that you asked this question. You have used DDA model, discovery, discussion, and analysis. And for you, my answer is, please read the principles of this education policy. And when you read the principles of this policy, that section, I mean, this as a policy, I'm not saying, see, policy is a different thing, PO is a different thing, program of action is a different thing. You know, always PO is created to be implemented, and policy to be achieved. So you read that document. As far as the policy itself is concerned, this document, policy document NP 2020, is very clear on discovery, discussion, and analysis. How? When it talks about the critical thinking, when it talks about the cooperative research, when it talks about multidisciplinary, that the students will have option. You may be a student of mathematics, but if you feel like doing research in any area, study. I was interacting with one gentleman. He's BTech.
he has done engineering, but he had deep interest in botanical items, and he took botany as a civil services examination. So multidisciplinarity, or the interdisciplinarity, or the transdisciplinarity concepts will provide you opportunity to interest yourself in discovery model. Now, discussion. See, discussion is the cooperative and collaborative phenomena. And this policy document talks about that research is going to become as a cooperative phenomena, particularly at the graduation level. And that's why those who want to enter directly after graduation into the world, and this facility is there in American system, only after graduation you can enter into PhD. But those people don't come to the university to teach. Even they come to the university, they come for the research. And that provision, I think, I'm sure the people who are involved with program of action in the committee, they will keep this thing in my mind. And without discussion, nothing takes place. Now the analysis, you know, analysis at three places, the curricular level, the implementation level, the research level. Curricular at two levels, the teaching, the pedagogy, and the research level. Without analysis, no teaching learning takes place, friends. No teaching learning takes place. So this policy, at the policy level, particularly in its conception, very clear that it does emphasize on DDA model, which you have called it discovery, discussion, and analysis. Right? Many more examples I can give you. You write an email to me, or maybe sometimes, or you are in Lucknow only, I take out some time, come to my department someday. With your question only, we'll have the discussion and deliberation in the faculty meeting, along with my students. Thank you so much. Yes, sir. मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि दृष्टि विद्यालय लेयर्ड है, ये जो सीईओ है हमारे गुप्ता सर, मैं उनसे नम्र आग्रह करूंगा कि आज के इस वेबिनार के प्रतिवेदन को प्रस्तुत है उसकी रिपोर्ट जो है काइंडली आप संक्षिप्त में रखें. आदरणीय प्रकाश गुप्ता सर, ओवर टू यू सर. आदरणीय प्रकाश. Thank you, CN Jha sir. I hope I am audible. Yes, sir. Yes. Right. Honorable VC sir, Dr. Mukul Narayan Dev sir, though he is not here, since he cited his inability to continue with the program because of the technical glitches in his area where he was there, I convey my thanks to him that with his presence he made the occasion magnanimous, I mean to say, make the occasion really special to all of us. And his visionary thoughts really set the mood of the session. Respected keynote speaker, Dr. Arvind Kumar Jha sir from BBAC Lucknow, Dean HOD School of Education. Rector's Duo, Mr. Manish Kapsme and Mr. Avinash Seth, the principal, Grizzly College of Education, Dr. Sanjita Kumari, the organizing team of Grizzly College, and the participants from different corners of the country. Good afternoon to one and all. I'm here with an overview of the webinar held today. As known to all of us, the webinar has been organized today successfully. This topic, National Education Policy, came in discussion because the day it was launched by Modi government on 29 July. Since then, there have been a lot of discussions on different virtual platforms. And we believe that this has been a path-breaking policy with a lot of sweeping changes involved. In this webinar, approximately 2,000 participants from across the country have registered themselves. We have the participants here from the states across the country, which reflect the success of the event today. In fact, the presence of VC sir from Vinoba University added color to the event. What I would like to mention here is the enlightening thoughts of our keynote speaker is very much noteworthy. In fact, I would like to recall and remind all of you of a very special sentence that sir told in the very beginning.
दैट नीति ही नियति का निर्धारण करती है. इनफैक्ट दिस सेंटेंस इटसेल्फ हैज इट्स रिसाउंडिंग इफेक्ट व्हाट आई बिलीव एंड इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द पॉलिसी दैट हैज बीन ड्राफ्टेड. नो डाउट व्हेन द पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड certain criteria, certain thoughts are designed and accordingly the policy is implemented. Listening to sir, what I believed, still I'm lost in his words, in his sentences that he kept on speaking. And I firmly believe that he must be the only person keeping tab of the time. None of us must have ever wanted the session to come to an end. He talked about the connection of teachers and students during his session. He talked about human face to education during his session. Listening to him, it was clearly felt that he had that connection with everyone present in the audience. His session exemplifies how a teacher should be, how we can connect ourselves to the listeners around us. NEP, National Education Policy 2020, seems to be a draft, but listening to him, what I could believe that a lot is to be talked about, a lot is to understand there, as plenty of examples have been given by Sir today to talk about the spirit behind NEP 2020. NEP 2020 is, listening to him, I felt that NEP 2020 is not about the sentences mentioned black and white on a piece of paper. It's about the spirit behind it. He talked about the spirit by giving plenty of examples. It would not be possible for me to talk about many of them, but then a few of the points that I could note down while listening to him, that this draft talks about cognitive development. It talks about holistic growth. It talks about cultural perseverance. It talks about universalization of education for students. Of course, it talks about human face to education. It talks about critical thinking. It promotes critical thinking, experiential learning. When Sir talked about engaging method of education, he made it very clear that this engaging method of education is about playway method. That makes it very clear to all of us. Since I belong to a school, a CBC affiliated school, right? Sir told about CBC, we should not say CBC affiliated school. Fine, a lot of ideas that he could mention, we must endorse that because we could identify the spirit behind those thoughts. That education is not about getting recognized by calling the school that it is CBC affiliated school, or we are finishing the syllabus on time, or we are conducting examinations. Yeah, these are the facts. Sir talked about this, that it's more about connecting ourselves to the to students getting education. It's more about engaging students living in any corner of the country. So listening to him, we could feel that the spirit behind NEP 2020 is really very high and convincing to all of us. The success lies in its execution, of course. In this webinar today, the key points of the NEP have been convincingly elaborated by Sir. As the highlights go, as he talked about school students at school level, the 10 plus 2 4 curricular structure. This new structure divides the existing structure as per the cognitive development stages of a child. This brings the changes in the examination structure too. Why earlier? At present, we talk about conducting examination every year, but there will be the time once it is executed, there will be the examination after grade 3, 5, and 8. And then other than these exams, there will be board exams. Why so? Because the NEP, as Sir talks about, it has to come out of the examination board. It has to be more like developing critical thinking and experiential learning. It focuses on numeracy and literacy, as Sir says.
The children need to develop the proficiency of numerical ability, and they have to develop language proficiency. Sir gave the example, a beautiful example, sir gave, that if school level points. Mother tongue has to be the medium of instruction compulsorily up to grade 5. Yes, that has definitely up to grade 8. We endorse these views that a child can understand the trivial concepts, all essential and trivial concepts of the chapters that he's studying in classes through the समस्या उत्पन्न हुई है। आप एक बार अपना माइक को जो है फिर से एनिमेट कर लीजिए। Am I connected? जी। Yes. So there are the apprehensions as the subject today talks about National Education Policy, its pros and apprehensions. Sir has beautifully explained about its apprehension whether it will be accepted by all and sundry across the nation when the lecture is delivered in the classroom by mother tongue. We have to understand the spirit of its implementation, why it has been proposed, why it has been put in draft. It has been beautifully explained about college students that there is the provision of 4 years bachelor degree program. This presents the opportunity to students to get the credit of every year of education that he or she pursues during his bachelor degree course. That is again a wonderful opportunity for everyone to get the value of the time devoted during education. There might be various situations in the life of various students. It focuses on content and pedagogy to be well planned, as sir has suggested. It has been said multidisciplinary approach to higher education has to be based on specialization, as it has been proposed. This will definitely pave the way to the students to be more eligible to be suited for getting employment. It means that it talks about the employability. It doesn't talk about only degree, as sir talked about. But it's not a time when we focus on degree itself. We need to work on the employability as well of the candidates looking for the opportunity to get job. Sir has beautifully advocated the incorporation of human face to education by highlighting the example of medical college and some other institutions where the college asks the students to get connected to the social upliftment of the people living in the society around. The session talked about how education with the purpose of social upliftment makes the change in the standard of society. How digital education can bring about the revolution in the teaching away from the classroom. That has been explained. How do we bring the education system out of the colonial mindset? That is the need of the time. The session talked about the education has to be made more effective in the process of bringing the education away from the classroom. The session talked about how can education system overcome its regressive policy. In fact, there are the loopholes in education policy. This has been discussed. Despite the loopholes, the National Education Policy 2020 seems to be revolutionary. Its success can be measured only after its execution. For this, sir has talked about, he has highlighted it very clearly to all of us, that NCPF has been planned, and once it is executed in its letter and spirit, the vision to bring about revolutionary changes in the education system will be possible.
for all of us. A lot more can be said, but I would like to wind up this report by speaking that the candidates who have been enlightened by being the part of this presentation should definitely fill the feedback form. The link has been shared with them in order to apply for the certificate. Thank you, sir, for the wonderful presentation to enlighten us. Thank you. And that's all about from my side. Prakashji, wonderful. You spoke so well and I'm overwhelmed. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. My pleasure. Thank you very much, sir. Prakash sir, aapne apne achhe tarike se is webinar ki reporting kari hai. Aapka bahut bahut dhanyawad. Main is kartan ko aage badhate hue ab main apne maniye bhakta Shri Agni Kumar Jha, Dr. Agni Kumar Jha ji ko main स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे कॉलेज के चेयरमैन और इस कार्यक्रम के चेयरमैन और कॉलेज के सचिव अविनाश सर से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो हमारे वक्ता को ई मेल को करें। Thank you. Thank you. आवाज आ रही होगी। Thank you so much. बहुत अच्छा लगा। से ये ई बुक जो है वो प्रेजेंट हो गया। मैं फिर से अपने टेक्निकल जो है सहकर्मी उनसे निवेदन करूंगा कि वो ई पेमेंट को प्रदान करें, ई पेमेंट को शेयर करें। थोड़ा सी तकनीकी समस्या यहाँ खड़ी हुई है, थोड़ा पैसे सुनाए रखे। ये प्लेटफॉर्म हमें अपने मन से कुछ करने नहीं देता, कभी कभी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कोई बात नहीं है, ये थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही है। मैं आदरणीय अविनाश सर से निवेदन करूंगा कि जस्ट धन्यवाद ज्ञापन जो है आपका है, आप धन्यवाद ज्ञापन कर लें, तब तक हमारे जो ये समस्या है मैं उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अपने अविनाश सर को अनुरोध करता हूँ। अविनाश सर, ओवर टू यू। धन्यवाद जीवन झा सर, हमारी आवाज आ रही है आप लोग को क्या? हेलो जी, आ रही है। ठीक, मैं अविनाश कुमार सेठ, सचिव डिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन झुमरी तलैया कोडरमा, इस वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों का अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सर्वप्रथम मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकुल देव सर का आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी गौरवमयी उपस्थिति एवं आशीर्वचन ने इस वेबिनार में चार चांद लगा दिया। इसके लिए मैं कुलपति महोदय का
हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद मैं आभार प्रकट करता हूँ लखनऊ के बाबा साहब अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान एवं इस वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अरविंद कुमार झा सर का, जिन्होंने हम सभी का मार्गदर्शन कर नई शिक्षा नीति के हर पहलू पर प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि आपने अपने वक्तव्य से इस वेबिनार में चार चांद लगा दिया है। धन्यवाद ज्ञापन के अगले चरण में मैं इस वेबिनार के डायरेक्टर सह महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संजीता कुमारी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में यह वेबिनार सफल हो पाया है। साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सी एन झा सर का, कन्वेनर मोहित तिवारी का, कोऑर्डिनेटर सौरभ शर्मा एवं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के तमाम सदस्यों एवं समस्त शिक्षकों का, जिन्होंने प्राचार्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और इस वेबिनार को सफल बनाने में अपनी सक्रिय की भूमिका निभाई है। सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ इस वेबिनार के को ऑर्गेनाइजर बिजली विद्यालय के CEO एवं विद्यालय के समस्त टीम मेंबर्स का, जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। इस वेबिनार में उपस्थित तमाम प्रतिभागियों का, जिन्होंने कई महाविद्यालयों के जिसमें कई विद्यालयों महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, विभागाध्यक्ष, अध्यापकगण, रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट जुड़े हैं। महाविद्यालय परिवार की ओर से उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार। इसमें महाविद्यालय के टीचिंग टेक्निकल टीम के सदस्यों का भी बहुत बहुत आभार है, जिसके बिना इस वेबिनार का की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जिन्होंने काफी मेहनत से इस वेबिनार का आयोजन किया है और इन्होंने अपनी पूरी शक्ति इसके सक्सेस के लिए लगाया है, और इसी का कारण है कि आज हम लोग वेबिनार को समय पर शुरू कर सके और कहीं भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं हुआ। काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा टेक्निकल टीम के द्वारा, और हमारे वक्ता भी बहुत अच्छे रहे, जिन्होंने जिस तरह की उम्मीद लोगों ने की थी, इसके अनुरूप उन लोगों को डिलीवरी मिला। इस वेबिनार में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े तमाम सदस्यों का बहुत बहुत आभार। एक बार मैं पुनः वेबिनार में के इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित सभी सदस्यों का महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन में, आपके संरक्षण में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है। अब मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि वो समय बहुत ज्यादा हो चुका है, कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हम लोग आ चुके हैं। मैं सभी प्रतिभागियों से और सम्मानित सभी सदस्यों से जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाए, और मैं अपने तकनीकी हमारे सहकर्मी मीर जी से अनुरोध करूँगा कि वो राष्ट्रगान हमें ऑनलाइन साथ करें, ताकि हम सभी एक साथ राष्ट्रगान गा सकें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, भाग्य विधाता, थैंक यू वेरी मच।
आप सभी प्रतिभागियों का इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, मैं उद्घोषक के रूप में और इस महायज्ञ को संपन्न कराने में यदि हमारे महाविद्यालय की तरफ से किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम से आप सभी ने अपना अपना ज्ञान का अर्जन किया, ज्ञान वर्धन किया। आप सभी का बहुत धन्यवाद और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। आगे भी कभी मौका मिलेगा सर, मैं अपने कॉलेज में भी आपको आमंत्रित करूंगा और इसकी अनुमति मुझे आपसे मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी कहूंगा आप सर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद।